गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपका राष्ट्रवाद का क्लास है। राष्ट्रवाद का एक लेक्चर मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग में देना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक मैं इसलिए चाहता हूँ कि जैसे कई बच्चे आते हैं तो बाद में भी वो राष्ट्रवाद को समझना चाहते हैं, मौका कम मिलता है। क्योंकि जैसे आपका पूरा उपनिवेशवाद का 3 डायग्राम बना, राष्ट्रवाद का केवल एक ही डायग्राम बनता है। जैसे आपको उपनिवेशवाद का 3 अलग अलग डायग्राम मैंने बनाया, तो राष्ट्रवाद का सिंपली एक ही डायग्राम बनता है। और ये जो राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है, नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, आप लोगों ने भी अपने स्तर से पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, एक जनरल एक परसेप्शन होता है, एक कॉमन धारणा होती है कि भाई अगर राष्ट्रवाद पढ़ना है तो 1885 टू 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ लिया जाए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हम भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, इन पहलुओं को देख लें, और इन पहलुओं को देखने के बाद हमारा टॉपिक राष्ट्रवाद से संबंधित समाप्त हो गया। एक नॉर्मल परसेप्शन यही होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। राष्ट्रवाद एक अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, क्योंकि हम नहीं समझते कि 20th सेंचुरी में कोई भी विचारधारा ऐसी प्रभावी रही जितनी राष्ट्रवाद रही। तब ये विचारधारा आई, यूरोप में आई, यूरोप के माध्यम से देश एशिया के अन्य देशों में फैली। लेकिन जब यूरोप में यह धारणा आई थी तो वहां भी यूरोप में भी ये कोई मोनोलिथिक विचार के रूप में नहीं आया था, ये ग्रेजुअली वहां इवॉल्व किया है। फिर कौन सी परिस्थितियां ऐसी आई कि यूरोप से यह विचारधारा कॉलोनी में गई, कॉलोनी में गई, भारत में गई, बाकी अन्य उपनिवेशों में भी यह विचारधारा गई। जहां जहां यह विचारधारा गई, देश काल की परिस्थितियों के अनुसार उनके स्वरूप में अंतर आया। जैसा कि आपको नाम से ही विदित होता है कि राष्ट्रवाद एक सेमेंटिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा था। सेमेंटिंग फोर्स का मतलब यह है कि जो अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं समाज में, जो विभिन्न वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को जोड़ने का काम राष्ट्रवाद करता है और उन्हें तोड़ने का काम संप्रदायवाद करता है। लेकिन जो राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद है, ये दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं और दोनों पैदा भी एक ही समय में हुए। तो भारत के संदर्भ में जब तुम राष्ट्रवाद की चर्चा करते हो तो राष्ट्रवाद स्वाभाविक रूप में भारत की आजादी की तरफ जाती है, और जो संप्रदायवाद है वो संप्रदायवाद विभाजन की तरफ जाता है। तो एक आजादी की तरफ जा रही है, एक विभाजन की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों की नींव एक ही समय तैयार हुई। तो ऐसा नहीं कि प्रक्रिया संप्रदायवाद का अलग गया और राष्ट्रवाद का अलग गया, दोनों साथ साथ पैरेलल में चलते रहे। तो राष्ट्रवाद में हमारा जो राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था, तो ऐसी कौन सी त्रुटि हुई जिस कारण से संप्रदायवाद आया और भारत का विभाजन हुआ। तो देखो बच्चों, पहले मैं एक ओवरऑल राष्ट्रवाद का जिस्ट आपको समझा देना चाहता, फिर साथ ही साथ ग्रेजुअली हमें इसमें बढ़ना है वन बाई वन जैसा आपका टॉपिक आता है। देखो, अगर आप क्रूड शब्दों में राष्ट्रवाद को परिभाषित करोगे तो राष्ट्रवाद की परिभाषा आप, जो कि बहुमान्य परिभाषा नहीं है, यूरोप में 16-17 सेंचुरी के क्रम में इस राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उसे इस रूप में परिभाषित किया गया कि राष्ट्र लोगों के ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनका आपस में जुड़ाव होता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जो एक समान प्रकार के रीति रिवाज और परंपरा से पोषित होते हैं और जो एक ही ऐतिहासिक शक्ति की उपज होते हैं। एक कॉमन परिभाषा है। जब आप यूरोप के इतिहास का अध्ययन करोगे, तुम देखोगे 16वीं-17वीं सदी में जब सामंतवाद का विघटन हो रहा था और क्रमिक रूप में पूंजीवाद का उद्भव हो रहा था, तभी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। सामंतवाद के कब्र पर यूरोप में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी शासक आए जिनकी स्थिति स्वयं पहले एक बड़े सामंत की तरह थी,
जो अपने सामंतों की क्षमता और शक्ति पर निर्भर थे, लेकिन जब अचानक से सामंतवाद का विघटन हुआ कुछ कारणों से, कुछ आंतरिक कारणों से और कुछ बाह्य कारणों से जो यहां मैं आपको नहीं बता सकता, तो जब यह सामंती संरचना टूटी तो एक पुरानी कहावत है हिंदी में, बिलाई के भाग से छीका टूटा। एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिली, वो सामंती संरचना टूट गई जिन्होंने उसको कमजोर कर रखा था। तो अब दो ही स्थिति यूरोपीय समाज के समक्ष थी। इस पर यूरोप के इतिहास में पहले क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि क्या राष्ट्रीय राज्य का उद्भव योजना से कम और संयोग से अधिक हुआ। तो योजना से कम और संयोग से अधिक हुआ का उनका आशय यह है कि भाई यूरोप में जब राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ, उस सामंतवाद का पतन नहीं होता तो राष्ट्रीय राज्य का उद्भव नहीं होता, और सामंतवाद का पतन तो किसी ने किया नहीं, उसमें की आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां थी जिन कारणों से सामंतवाद का पतन हुआ, और जब सामंतवाद का पतन हुआ तो राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ। तो इसी क्रम में विचार आया कि क्या यह योजना से अधिक और संयोग से कम हुआ, सॉरी संयोग से अधिक और योजना से कम हुआ। परंतु एक बात है बच्चों यहां गौर करने वाली, जब योजना और संयोग की भूमिका को परस्पर रेखांकित करेंगे तो पाएंगे कि देखो ठीक है, सामंतवाद का पतन यह एक संयोग था, यह कुछ आंतरिक कारणों और बाह्य कारणों से यह पतन हुआ, लेकिन जब सामंतवाद का पतन हुआ तो इसकी परिणति राजनीतिक अराजकता में भी तो हो सकती थी। मारो काटो लूटो, जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा सकता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति आ सकती थी, लेकिन अगर वह अराजकता में परिणत न होकर राष्ट्रीय राजतंत्र में परिणत हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक जिन्होंने स्थिति से लाभ उठाया। अब मान लो आपको यूपीएससी में गवर्नमेंट ने, यूपीएससी ने आपको चांस दिया है कि आप इतने समय तक चांस एवेल कर सकते हो, लेकिन केवल क्या सिक्स चांस का एश्योरेंस दिया जाना है, सफलता की गारंटी है? नहीं। जो उन बच्चों के चांस का उपयोग अपने तैयारी के माध्यम से अपने पक्ष में करेंगे वही यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव इसलिए हुआ क्योंकि सामंतवाद के विघटन से यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने लाभ उठाया, उन्होंने राष्ट्रीय सीमा खींची, सेना और नौकरशाही स्थापित की और अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम राज्य के प्रतिनिधि हैं, हमारे हित राज्य का हित का हम प्रतिनिधित्व करते, नेशनल बाउंड्री खींची और बाउंड्री खींच के अपने अपने राष्ट्र को कार्व आउट किया, फ्रांस ब्रिटेन स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्र अस्तित्व में आने लगे। ये कहलाए राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य इसलिए कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, ये यूरोपीय शासकों का राष्ट्र था, उन्होंने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना शुरू किया। और जब अलग अलग बाउंड्री खींची गई तो मान लीजिए आप अपने घर में, कि आप अपने मोहल्ले में आप अपना बाउंड्री वॉल खींच लेते हैं, लेकिन वो बाउंड्री वॉल तब तक डिस्प्यूटेड बना रहेगा जब तक एक सार्वजनिक पंचायत नहीं होगी, और सार्वजनिक पंचायत के माध्यम से कम वो मोहल्ले का पंचायत स्वीकार नहीं करेगा कि ओके तुम्हारी बाउंड्री है तुम इसको रखो, हमेशा उसमें डिस्प्यूट की संभावना रहती है। तो ब्रिटेन फ्रांस स्विट्जरलैंड सभी राष्ट्रों ने अपने अलग अलग राष्ट्रीय बाउंड्री खींची, लेकिन वहां पर प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि उस वो नेशनल बाउंड्री की स्वीकृति कहां से मिलेगी। तो वह स्वीकृति दे दी वेस्टफेलिया की संधि ने। तो वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में यूरोप में, तो उस संधि में सबकी राष्ट्रीय सीमा को स्वीकार कर लिया गया। वेस्टफेलिया की संधि यूरोप में पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, यह सबकी नेशनल बाउंड्री, सारी राष्ट्र की नेशनल बाउंड्री को खींच लिया अपने ढंग से और उस बाउंड्री को स्वीकृति दे दी। लेकिन उसने कुछ नियम निर्धारित किया कि देखो भाई, परराष्ट्र संबंध ऐसे होगा, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ परस्पर संबंध होगा, और ये जो संबंध होगा ये राजा टू राजा होगा, किंग टू किंग होगा, किंग टू पीपल नहीं होगा और पीपल टू पीपल नहीं होगा। प्रत्येक राष्ट्र की पहचान उसके वंशानुगत शासक से होगी, फॉरेन पॉलिसी वंशानुगत शासक कंडक्ट कर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत स्वीकार किया जाएगा, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के संबंध अंतर्राष्ट्रीय नियमों से निर्धारित होंगे, और अगर एक राष्ट्र का शासक किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। बन गया राष्ट्र, यह था राष्ट्रीय राज्य। अब यह राष्ट्रीय राज्य में तुम यही समझो कि वो राष्ट्र राजा की कितनी बड़ी बपौती हुआ करती थी कि अगर एक शासक का दूसरे शासक घराने में वैवाहिक संबंध होता
तो कई बार दहेज के तौर पर पूरा का पूरा भूभाग दे दिया जाता, लाखों जनता स्पेन से फ्रांस में चली जाती और कोई विरोध की आवाज नहीं उठती, क्योंकि उस समय तक यही माना जाता कि राष्ट्र शासक का है। यही स्थिति चली आ रही थी। इस स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ जब मध्य वर्ग का उद्भव हुआ, और मध्य वर्ग जो पहले राजतंत्र के साथ मिलजुल कर काम किया था, अब मध्य वर्ग की आकांक्षा जगने लगी। मध्य वर्ग राजतंत्र की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करने लगा। अमेरिकी क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति के पश्चात एक उपनिवेश स्वतंत्र होकर राष्ट्र के रूप में संगठित हो गया। अमेरिकी क्रांति ने मध्य वर्ग को मजबूत किया। अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांस की क्रांति हुई। जब फ्रांस की क्रांति हुई, उसी समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक ने जन्म लिया, जिसे आप जीन जैक रूसो कहते हो। जीन जैक रूसो को आप 18वीं सदी का कार्ल मार्क्स मान सकते हो, क्योंकि वो अपने समय का सबसे महान चिंतक था। और जिस तरह मार्क्स ने आगामी दो शताब्दी तक पूरे दुनिया को बौद्धिक रूप से सजग और क्रांतिकारी बनाए रखा, उसी प्रकार से रूसो ने भी किया। रूसो को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि रूसो ने राष्ट्रवाद के पूरे संदर्भ को ही बदल दिया। उसने कहा कि राष्ट्र शासक से नहीं बनता है, राष्ट्र बनती है जनता से। जन संप्रभुता की अवधारणा दी, और उसी का कॉन्सेप्ट है कॉमन विल इज द सॉवरेन विल। मतलब जो कॉमन विल है, जो संप्रभुता है, वो संप्रभुता शासक में नहीं बल्कि जनता में निवास करती है। फ्रांस की क्रांति के साथ, वैसे रूसो की विचारधारा तो पहले आई थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति के साथ इन विचारों को और भी प्रोत्साहन मिला। जब इस विचार की प्रगति हुई और क्रांति के मध्य फ्रांस में कई तरह के बदलाव देखे गए, मानव अधिकारों की घोषणा हुई, नागरिक स्वतंत्रता की घोषणा हुई, नागरिकों को समानता के स्तर पर ट्रीट किया जाने लगा, उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, मध्य वर्ग के विशेषाधिकार, मध्य वर्ग एक समान धरातल पर कुलीन वर्ग और के साथ आ गया, चर्च के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। और इस क्रांति के मध्य एक दुखद घटना ही समझिए हुई कि गणतंत्र की घोषणा हुई। वहां तक तो सुखद घटना थी कि राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की घोषणा कर दी गई, परंतु आगे चलकर राजा और रानी दोनों को मृत्यु दंड दे दिया गया। और एक तरह से फॉर टाइम बीइंग ये राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा के अंत की घोषणा थी। यही समय है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई और उग्र परिवर्तन शुरू हुए, तो इन उग्र परिवर्तनों ने यूरोपीय लोगों को डराना शुरू कर दिया। और यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था काम कर रही थी, उन यूरोपीय पुरातन व्यवस्था में आप एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देखेंगे जो चर्च के रूप में, कुलीन वर्ग के रूप में और राजतंत्र के रूप में पुरातन व्यवस्था कायम थी। यूरोप में तीन संस्थाएं बिल्कुल जीवित और सजग थी, यह था राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च। जब फ्रांस में बदलाव की प्रक्रिया चली तो उनके मन में भी भय व्याप्त हो गया कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा पर रंग पकड़ता है। कल को यह घटना फ्रांस में हुई है और यह घटना देखते देखते आखिरी रूप यह घटना हो जाएगी। तो यूरोप के देशों ने मिलकर फ्रांस पर हमला किया। और फिर उसके बाद यूरोप में एक और महत्वपूर्ण चीज देखी गई, वो चीज थी कि एक क्रांतिकारी युद्ध आरंभ हो गया। वो क्रांतिकारी युद्ध ऐसा था कि एक तरफ फ्रांस की जनता फ्रांस की क्रांति के नाम पर और नागरिक अधिकारों के नाम पर लड़ रही थी, और दूसरी तरफ यूरोप के शासक संयुक्त होकर फ्रांस की क्रांति को दबाना चाह रहे थे। तो यह अपने आप में इतिहास में एक ऐसा अनोखा युद्ध था जो पहले यूरोप में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि यूरोप में पहले जो भी युद्ध हुए थे वो शासक और शासक के बीच हुए थे, परंतु यह पहली बार यूरोप में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ यूरोप के शासक लड़ रहे थे और दूसरी तरफ फ्रांस की जनता लड़ रही थी। तो फ्रांस की जनता ने जो जनता की शक्ति पर बल दिया, उसी समय रूसो की जनसंप्रभुता की अवधारणा आई जिसने जनता के महत्व को बढ़ा दिया, और ये जनसंप्रभुता की अवधारणा ने आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। तो बच्चों, अगर आपसे कोई यह पूछे कि 16वीं 17वीं सदी में जो यूरोप के शासकों ने जिस राष्ट्रीय राज्य का गठन किया था, और अभी जब फ्रांस की क्रांति के बाद आप आधुनिक राष्ट्रवाद देखते हो, तो उन दोनों में क्या अंतर है, तो तुम कहोगे कि 16वीं 17वीं सदी का राष्ट्रवाद शासक का राष्ट्रवाद था, परंतु फ्रांस की क्रांति के बाद जो उत्पन्न राष्ट्रवाद आया वो जनता का राष्ट्रवाद था। और इसी जनता के राष्ट्रवाद को हम आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसने जनता को संगठित किया, सीमेंटिंग फोर्स का काम किया।
इन द मीन टाइम फ्रांस की क्रांति के मध्य जो क्रांतिकारी युद्ध हुए, उस क्रांतिकारी युद्ध में फ्रांस को निरंतर सफलता मिलती गई और फ्रांस की सेना यूरोप को रौंदती गई। नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति के विचारों को यूरोप में फैलाया, लेकिन जब नेपोलियन के द्वारा फ्रांस की क्रांति के विचारों को यूरोप में फैलाया गया तो उस फैलाव के दरमियान एक और महत्वपूर्ण बात हुई, वह यह कि नेपोलियन तो फ्रांस की क्रांति के विचारों को फैला रहा था, अपने आप को यह सिद्ध कर रहा था कि हम यूरोप के मुक्तिदाता हैं, हम यूरोप को मुक्त करने के लिए आए हैं, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सौगात लेकर आया था। लेकिन जहां जहां यूरोप की में नेपोलियन की सेना जाती रही तो उसने स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को सोची समझी योजना के तहत फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन उसका प्रभाव कुछ दूसरा पड़ गया, क्योंकि नेपोलियन ने जब अपने स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के नारे के दरमियान जब उसने अपनी सेना को आगे बढ़ाया तो उसने अनायास फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव पर बल दिया, और फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव पर अगर एक बार बल दिया गया इसका मतलब है कि यूरोपीय राष्ट्रों में भी अलग अलग गौरव की भावना आती चली गई। आपने देखा एक महत्वपूर्ण प्रोवर्ब जो कहा जाता है, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप अपने रूम पार्टनर के साथ रह रहे हो और एक दूसरे के साथ हेल्प कर रहे हो, अपने पूरी बंधुता भाईचारा एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, लेकिन अब अगर तुम किसी के सामने बार बार अपनी कहानी में यह सिद्ध करने का प्रयास करो कि भाई मैं बहुत ही गौरवपूर्ण परिवार से आया हूं और मैं बड़ा सामान्य लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता, तुम एक अपवाद हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब बार बार तुम इस बात का एहसास दिलाओगे तो उसके मन में स्वाभाविक रूप में एक प्रतिक्रिया होगी कि तुम अगर एक गौरवपूर्ण परिवार से आए हो तो मैं किस परिवार से आया हूं। नेचुरली आप इस बात को महसूस करोगे। तो जब फ्रांस की सेना दूसरे देशों को रौंद रही थी तो नेपोलियन तो सौगात लेकर गया था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का, लेकिन उसी दरमियान उसने बात शुरू कर दी फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव की। और वो चूंकि वो क्या चाहता था कि हम फ्रांस की जनता को राष्ट्रीय गौरव के नाम पर ऑर्गेनाइज करें। जैसे फ्रांस के लोगों को जो ऑर्गेनाइज करना है तो राष्ट्रीय गौरव के आधार पर, हम राष्ट्रीय गौरव की भावना के आधार पर फ्रांस के लोगों को संगठित करें, और दूसरी तरफ वो चाहता था कि हम यूरोप के लोगों को एक दूसरे प्रकार की सौगात दें और वह सौगात होगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, जो फ्रांस की क्रांति का सौगात है। लेकिन ये तो इन्फेक्शन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जो फ्रांसीसी गौरव की बात की वो अनजाने अनइंटेंडेड यूरोप में यह भावना फैलती चली गई। प्रतिक्रिया जर्मन गौरव, स्विस गौरव, इटालियन गौरव, मतलब अलग अलग राष्ट्रों में भी उसी प्रकार से गौरव की भावना आई और नेपोलियन को काउंटर कर लिया। तो जिस राष्ट्रवाद ने नेपोलियन की शक्ति दी थी वही राष्ट्रवाद ने नेपोलियन को यूरोप से खदेड़ दिया। परंतु इस दरमियान एक बात हुई बच्चों गौर करने वाली है कि फ्रांसीसी राष्ट्रवाद अब अखिल यूरोपीय राष्ट्रवाद बन गया। ओके, तो यहां तक तो तुम राष्ट्रवाद को देख रहे हो। तो अब देखो बच्चों, तुमको जब राष्ट्रवाद समझना होगा तो एक दो बातें गौर करनी होगी। एक बार मैं पूरे लेक्चर में आपको इसलिए बताना चाहता, याद तो आपको रहेगा नहीं, मैं बच्चों के और क्लास के लिमिटेशंस को समझता हूं, इसलिए इसेंशियल चीजें मैं हमेशा नोट कराता हूं ना चाहते हुए भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दत्तचित होकर सुनने का भी अपना एक अलग मजा होता है। जो आवश्यक सामग्रियां तुमको मिलनी है और जो मुझे क्लास में डिक्टेट करना है वो तो होगा ही, लेकिन यहां मैं एक बार चाहता हूं कि पूरे राष्ट्रवाद समझाते हुए, संप्रदायवाद से उसका रिलेशनशिप बताते हुए भारत के विभाजन तक ले आऊं और आपके कोर्ट में बॉल छोड़ दूं कि आप ही बताओ कि वर्तमान में अगर भारत की एकता और अखंडता को बननी है तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए। आप गौर करके देखो, जीएस के पेपर के क्वेश्चन को देखो, इस बार ही कहा कि जो धर्म ने स्वतंत्रता के बाद धर्म संप्रदायवाद का रूप देता चला गया, तो स्वतंत्रता के बाद धर्म क्यों संप्रदायवाद का रूप देता चला गया? धर्म को कब आवरण के रूप में लिया जाता है और धर्म को जब भी इतिहास में आवरण के रूप में लिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? यह तुम भारत के संदर्भ में भी देखोगे और बाकी देशों के संदर्भ में भी देखोगे। कुछ चीजें ऐसी है बच्चों कि तुम्हें अगर एक फंडामेंटल चीजों की समझ हो जाए तो चाहे वो निबंध का प्रश्न हो, हिस्ट्री का प्रश्न हो, जीएस पार्ट हिस्ट्री कल्चर का प्रश्न हो, हर कुछ जितने तुम मॉडर्न आइडियोलॉजी देखते हो, चाहे वो समाजवाद हो, वामपंथ हो, राष्ट्रवाद हो, उदारवाद हो, जितनी भी महत्वपूर्ण विचारधाराएं आई हैं वो तो इतिहास में ही आई हैं। इतिहास के माध्यम से ही तुम उसका विकास देखते चल रहे हो।
अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि जब तक 1815 तक यूरोप में तुम देखते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट गए, तो यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षा एक बार और जगी कि भाई जो भी हुआ है इतिहास में एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट को हम समाप्त कर दें। तो कैसे एक्सीडेंट को समाप्त करें, तो उनका मानना है कि उसी समय ऑस्ट्रिया एक देश था और वहां का उसका एक बड़ा ही कह सकते हो कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी प्रधानमंत्री, चांसलर उसको बोलते थे, उसका नाम था मेटरनिक। तो प्रिंस मेटरनिक का अपना एक अलग परसेप्शन था। उसने इतनी सारी घटनाओं के देखने के बाद यह नहीं रियलाइज किया, इस बात को नहीं समझ पाया कि फ्रांस की क्रांति आर्थिक सामाजिक कारणों से हुई। उसके मन में यही धारणा बैठी हुई थी कि देखो भाई क्रांति इसलिए नहीं होती है कि आर्थिक सामाजिक कारण होते हैं, बल्कि क्रांति इसलिए होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो षड्यंत्र का सहारा लेकर, गुप्त संगठन का सहारा लेकर षड्यंत्र को फैलाते हैं और क्रांति को घटित करते हैं। तो नेपोलियन के बाद फिर यही तय किया मेटरनिक ने, 1815 में नेपोलियन की हार हुई वाटरलू के मैदान में, फिर नेपोलियन को सेंट हेलेना के द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, कांग्रेस ऑफ वियना का आयोजन हुआ। तो मेटरनिक ने वहां पर, मेटरनिक के नेतृत्व में और भी चार विजेता देश थे, बाद में फ्रांस भी पांचवें देश के रूप में शामिल किया गया। यही तय हुआ कि यूरोप में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए। और पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का मतलब, तो बच्चों तुम समझते हो कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का मतलब है कि फिर एक बार राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च को बहाल कर दीजिए और फिर पुराने राष्ट्रवाद को स्थापित कर दीजिए, राजा का राष्ट्रवाद, और जो जनता है वो जनता को फिर अपनी चार दीवारी के अंदर भेज दीजिए कि तुम जैसे क्रांति से पहले शांत थे उसी प्रकार शांत रहो, ज्यादा महत्वाकांक्षा जगाने की कोशिश मत करो। लेकिन एक बार जब दुल्हन घर की दहलीज लांघ चुकी है और बाहर के संसार का आनंद ले चुकी है, तो उसको फिर तुम यह कहोगे कि तुम हाउस वाइफ बनकर और जिल्लत की जिंदगी फिर जियो, वो कैसे होगा? फ्रांस की जनता और यूरोप की जनता ने पावर को टेस्ट कर लिया था 1815 तक। और जब यूरोप के गणमान्य नेताओं ने दोबारा चाहा कि राजतंत्र को स्थापित कर फिर जनता को चौकट के अंदर लाकर और उस पर बंदिश लगा दी जाए कि भविष्य में चौकट का उल्लंघन नहीं होगा, तो जिसने पावर को टेस्ट कर लिया था वह पुरानी स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकते थे? उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परिणाम हुआ कि पूरे 19वीं सदी में यूरोप में क्रांति होती रही, व्यवस्था टूटती रही, राजतंत्र गिरते रहे और यह प्रक्रिया चलती रही। इसी क्रम में तुम देखते हो कि राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती रही, क्योंकि जो क्रांति आगे होती रही वो राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर एक क्रांति होती रही। बहुत सारे इटली और जर्मनी जैसे विभाजित देश थे, वो अपने आप को राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे। कुछ पुराना एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसको बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य, उसमें जो अलग 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 रेस के लोग थे, जैसे उसमें मगियार थे, चेक थे, स्लाव थे, वो भी कहते थे कि भाई हम राष्ट्र हैं, हमें एक अलग राष्ट्र बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह से राष्ट्रवाद जैसी चीज की प्रगति होती रही। अब देखो राष्ट्रवाद जब आया था तो राष्ट्रवाद आया था परिवर्तन की शक्ति के रूप में। ये भी दिलचस्प बात है, मैं पहले यूरोप में ये चीज आपको कंक्लूड कर दूं, फिर हम भारत की तरफ आते हैं और भारत की तरफ बताते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रवाद जैसी भावना कैसे आई और ये राष्ट्रवाद जैसी चीज है किस प्रकार से यूरोपीय राष्ट्रवाद से अलग थी और पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य आपने उस राष्ट्रवाद में किस प्रकार का बदलाव देखा। तो मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि अब राष्ट्रवाद पहले परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति का मतलब वो कहती थी कि भाई तोड़ो जोड़ो, मतलब बदलाव लाना चाहती थी। लेकिन तभी क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव धीरे धीरे यूरोप में महसूस किया गया। ओके, और एक कहावत तो पहले आपने सुना होगा कि सास भी पहले बहु थी, तो अब तक तो ये सास थी, अब ये बनने जा रही है बहु। उल्टा हो गया, नहीं, पहले ये बहु थी, अब बनने जा रही है सास। तो अब तक जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद परिवर्तन की मांग कर रहा था। इन द मीन टाइम इस बीच औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद फिर एक नई विचारधारा के रूप में समाजवाद आ गया, समाजवाद का उग्र रूप मार्क्सवाद आ गया। अब मार्क्सवाद आ गया तो मार्क्सवाद ने नारा दिया दुनिया के मजदूर एक हो, और उसने चाहा कि हम मध्य वर्ग के तख्ता को पलट दें, उसने चाहा कि हम पूरे यूरोप में प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर दें। विश्व क्रांति का सपना लेकर मार्क्सवाद आया, और जब इतनी उग्र विचारधारा के रूप में आया कि इसने एक तरह से मध्य वर्ग को हिलाकर रख दिया,
क्योंकि पूरी यूरोपीय इतिहास में एक अहम चीज़ है, कोई बच्चा अगर उस पर नज़र रखता है तो मैं समझता हूँ कि उसे वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है नॉर्मली, क्योंकि वर्ल्ड के माध्यम से वर्ल्ड को समझे बिना इंडिया को समझना थोड़ा मुश्किल होता है और इंडिया को समझे बिना वर्ल्ड को समझना मुश्किल होता है। आप किसी एक सेगमेंट में आप यह बात करते हो कि एक सेगमेंट में कोई बच्चा अगर सेलेक्टिव पढ़ने की बात करता है तो मुझे उस पर दया आती है ये सोच के कि उसने तो इतिहास का आनंद लिया ही नहीं। अरे इतिहास का आनंद तो समग्रता में है, जो दुनिया जब से पैदा ही, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी से यह ज्ञान कर लो कि पृथ्वी कैसे विकसित हुई और पूरे दुनिया का मानचित्र तुम कमांड कर लो और तब दुनिया में होने वाले बदलाव को तुम इतिहास के माध्यम से देखते चले जाओ, तुम्हारी इकोनॉमी पॉलिटी और बाकी सेगमेंट तो वैसे भी 50% हो जाए। क्योंकि आज के बच्चों में जो मैं प्रधान समस्या देखता हूं क्या है, कोहेसिव विचार का नहीं होना, वो चीजों को टुकड़े टुकड़े में सोचता है और क्वेश्चन का डिमांड टुकड़े में सोचना नहीं है। आप यूपीएससी के क्वेश्चन को देखो तो वहां पर वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं यूरोप के सारे देश मरीज हो चुके थे। अब उनको ये भी समझ में नहीं आता कि भाई सारे देश कैसे मरीज हो चुके थे, बच्चा ले जाके क्लास एग्जाम हॉल में जाके अपना सारा एंटीना खोल देता है कि थोड़ा तो मिल जाए मरीज पर, लेकिन पता चलता है कि यह स्थिति रही तो 15 मिनट में खुद ही मरीज हो जाऊंगा। या वही क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस पूंजीवाद ने यूरोपीय राष्ट्रों को शक्ति दी वही पूंजीवाद यूरोपीय राष्ट्रों के पतन का कारण बना। अब ये सब कितना देखते हो, एकदम बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच खोजता है। इसको तुम यह नहीं जोड़ के कह सकते हो कि कौन स्पेसिफिक क्वेश्चन से, किस स्पेसिफिक से है ये नहीं। क्या आप इस कथन से सहमत है कि प्रथम विश्वयुद्ध शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था? अभी तो इस क्वेश्चन में कोई बच्चा बता सकता है कि शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था या नहीं लड़ा गया था? ये स्टेज तो आता है पहले आपका नॉलेज होने के बाद, तब ये बात उठती है कि क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाए, उस पर हम बाद में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, तो इस तरह से बदलाव चल रहा है, उस बदलाव पर आप गौर करिए। तो अब जब समाजवाद और मार्क्सवाद आया और समाजवाद मार्क्सवाद ने एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करने की बात की तो अब मध्यवर्ग हो गया डिफेंसिव। एक टाइम ऐसा था कि कुलीन वर्ग और चर्च से राजतंत्र की लड़ाई चल रही थी और मध्यवर्ग और राजतंत्र के हित मिल रहे थे तो दोनों ने मिलकर उसे लड़ा। उसके बाद कुलीन वर्ग और चर्च की शक्ति टूटी और राजतंत्र ताकतवर होने लगा तो मध्यवर्ग ने राजतंत्र का कॉलर धर पकड़ा कि नहीं नहीं शक्ति में हमें भी भागीदारी दो, और तब क्रांतियां होती चली गई, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांति। बट बच्चों अब एक बड़ा बदलाव आ गया है कि एक और नया वर्ग अस्तित्व में आ चुका है जिसको तुम कहते हो निम्न वर्ग या औद्योगिक सर्वहारा वर्ग, और ये औद्योगिक सर्वहारा वर्ग ताकतवर हो चुका है, मार्क्स जैसा इसे नेता मिल चुका है, कार्ल मार्क्स जैसे। अब यह उग्र बदलाव की बात कर रहा है। तो अब मध्य वर्ग डिफेंसिव हो गया है, अब यह वह मध्य वर्ग नहीं है जो कभी परिवर्तन की मांग करता था, अब यह मध्य वर्ग चाहता था परिवर्तन रोको, क्योंकि मध्य वर्ग का तो लक्ष्य था कि सीमित मताधिकार मिले, सीमित राजतंत्र हो, परंतु प्रजातंत्र से परहेज किया जाए। बट इन द मीन टाइम जब विश्व क्रांति का चैलेंज आया तो मध्य वर्ग के पास अब एक ही हथियार बच गया, वो हथियार था राष्ट्रवाद। अब देखो, गौर करो तुम, 1850 से पहले यानी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद परिवर्तन की मांग करता था, बदलाव की मांग करता था, राजतंत्र की शक्ति को सीमित करने की मांग करता था, आप निर्णय के अधिकार की मांग करता था। लेकिन अब यह जो राष्ट्रवाद है, यह राष्ट्रवाद चाहता है कि भविष्य में बदलाव नहीं, इस बदलाव को रोक दिया जाए। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, घबराना नहीं, मैं 2 मिनट में स्पष्ट करता हूं कि यह बदलाव को कैसे रोका जाए। तो रास्ता है, अगर कार्ल मार्क्स कहेगा दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मध्य वर्ग नारा देंगे कि नहीं मजदूर, तुम पहले फ्रांसीसी हो, देखो राष्ट्रीय झंडा, सुनो राष्ट्रीय गान, तुम जर्मन हो, तुम ब्रिटिश हो। तो अगर मार्क्सवाद से कोई लड़ सकता था एज ए विचारधारा, या विश्व क्रांति के आदर्श के खतरे से बचा सकता था, तो राष्ट्रवाद, विश्व क्रांति, अंतर्राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध में राष्ट्रवाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रवाद का सामना कौन कर सकता था, तो राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद की भूमिका बदल गई, अब राष्ट्रवाद का लक्ष्य हो गया कि हम अपने मजदूरों को क्रांति के उद्देश्य से बाहर हटाएं और अपने आप से जोड़ें। तो अब सवाल है, जब मार्क्सवाद आया, मजदूरों की स्थिति खराब थी, मजदूरों को अधिकार चाहिए थे,
तो जब मजदूरों को अधिकार चाहिए थे तो मजदूर क्रांति करते, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह धीरे धीरे मजदूर आंदोलन सक्रिय होने लगा। वर्ग संघर्ष की मांग उठी, बदलाव की मांग उठी, कम्युनिस्ट पार्टी संगठित होने लगे और मध्यवर्गीय नेतृत्व का तख्ता पलटने का सपना देखने लगे। वही समय है कि राष्ट्रवाद मध्यवर्ग को बड़ा काम आया, उसे कहा गया सामाजिक साम्राज्यवाद। अब जब देखता था मध्यवर्ग कि लोगों का ध्यान घरेलू समस्या पर ज्यादा है तो तुरंत जाके बाहर आक्रमण कर देता था, साम्राज्यवाद। चलो हम आपको एशिया और अफ्रीका में स्वाद चखाते हैं, नए नए क्षेत्रों में जाते हैं, हम आपके राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय गौरव का मशीन बन गया और राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने का साधन इसलिए बना कि अगर लोगों को तुम एक बार राष्ट्रीय गौरव का रसास्वादन दे देते हो तो आंतरिक समस्याओं से ध्यान हट जाता है। चाहे भारत में ही कितनी भी आंतरिक समस्याएं हो, कितनी भी आपस में तनाव हो, लेकिन अगर 100 मीटर भूमि इंडिया ने पीओके से ले लिया तो समझो कि सरकार की सारी समस्याएं हल है। क्या इसलिए तुम देखो कि ये राष्ट्रवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया, उसका नाम हो गया साम्राज्यवाद, उसको अति राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो साम्राज्यवाद के रूप में राष्ट्रवाद अपना प्रसार करने लगा और ये साम्राज्यवाद के रूप में जो राष्ट्रवाद की प्रगति होने लगी तो टकराहट होना तो अनिवार्य था, क्योंकि एक तरफ ब्रिटिश अपने राष्ट्रीय गौरव की का नारा दे रहे थे, लोगों का आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, अपने मजदूरों का ध्यान राष्ट्रीय गौरव की तरफ मोड़ने के लिए एक ब्रिटिश आधी रात में भी छाते लेकर अकर कर चलता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो जर्मन लोगों ने नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। और उस समय एक जर्मन नौसैनिक अधिकारी था, उसका नाम था जनरल टिरपिच। तो जनरल टिरपिच ने जर्मन शासक विलियम कैसर यानी विलियम द्वितीय को यह सुझाव दिया कि अगर आप चाहते हो कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रगति रुक जाए तो आपके पास सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप विदेशी मोर्चे पर आक्रामक नीति अख्तियार करो। जिस समय आप विदेशी मोर्चे पर आक्रामक नीति अख्तियार करोगे और आपकी सेना विदेशी मोर्चे पर प्रगति करेगी, उसी समय लोगों का ध्यान आंतरिक बातों से बाह्य बातों की ओर चला जाएगा और आपके यहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका वोट बैंक सिमट जाएगा, इसलिए बाहर प्रसार करो। अब इसने उग्र साम्राज्यवाद का रूप ले दिया, अंत में इसका परिणाम हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसको वर्ल्ड, यहां तक तो तुम लोग समझ गए राष्ट्रवाद की प्रगति। अब इधर कॉलोनी में आओ। कॉलोनी में स्थिति यह थी कि कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब कॉलोनियल पावर ने जब उसको एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करके धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन का भी, जब तुम देखोगे जिसको कहते हो औपनिवेशीकरण, उस औपनिवेशीकरण का भी नॉर्मली दो चरण रहा है। हालांकि भारत में इनको उन चरणों में बांट कर देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब 15वीं 16वीं सदी में जब वास्को डिगामा और कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की थी तो फिर यूरोपीय शक्तियों ने इसका बाहर प्रसार किया था। और यूरोपीय शक्तियों ने जब सामुद्रिक विस्तार करना आरंभ किया तो इधर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, अफ्रीका वैसे भी यूरोपीय महाद्वीप के सबसे निकट था, तो इधर यूरोप के जो सी वॉयेजेस थे वो दुनिया के नए नए क्षेत्रों में गए और यूरोपीय उपनिवेशकर्ता अमेरिकी महाद्वीप की तरफ गए। और उसी समय स्पेन के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा और कुछ हद तक ब्रिटेन के और डच के द्वारा भी लैटिन अमेरिका का औपनिवेशीकरण किया गया। और लैटिन अमेरिका में मुख्य रूप से स्पेन की कॉलोनी बनी थी, लेकिन उत्तरी अमेरिका तक स्पेन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका का औपनिवेशीकरण था वो बड़ी कठिन प्रक्रिया थी। तो यह बीड़ा उठाया ब्रिटिश ने, डच ने और फ्रेंच ने, उसने उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र का भी कॉलोनाइजेशन किया। उसी कॉलोनाइजेशन में आप एक जगह एक नाम देखेंगे, और कनाडा पर फ्रांस ने कॉलोनाइज किया, 13 उपनिवेश ब्रिटेन ने बनाए, कुछ क्षेत्र पर हॉलैंड ने कब्जा किया, इस तरह से अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हो गया। अफ्रीका यूरोप से सबसे निकट था, लेकिन अफ्रीका के अंदर घने जंगल थे और सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर एक बड़ा भयंकर मॉस्किटो हुआ करता था जो मलेरिया की बीमारी को जन्म दे सकता था। उस समय तक कुनैन गोली का आविष्कार नहीं हुआ था जो मलेरिया के विरुद्ध लड़ सकता था। तो अधिकतर जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने बाहर या तटीय क्षेत्रों में ही उनके द्वारा कॉलोनाइजेशन किया गया, मुख्य भूमि पर नहीं गए। अब उसी समय वास्को डी गामा एशिया आया
और सबसे पहले तो पुर्तगीजों का ही बहार हो गया, पूरा एशिया खाली मिल गया, तो उनकी टकराहट यहां केवल मुस्लिम पावर से हुई। और उन मुस्लिम पावर में तुम देखते हो जो ऑटोमन साम्राज्य है, मिस्र का राज्य है और गुजरात का राज्य भारत में था, उन सब मिलजुल कर पुर्तगीजों को खदेड़ना चाहा, लेकिन वो पुर्तगीजों के हाथों हार गए। और एक तरह से तुम देखोगे तो उस समय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था ओर्मुज बंदरगाह, जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है फारस की खाड़ी में, उस पर कब्जा हो गया पुर्तगीजों का। उसके बाद पुर्तगीज भारत पर अपना प्रभाव क्षेत्र, भारत में अपनी फैक्ट्री बनाई, श्रीलंका में बनाई, दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और मलक्का तक चले गए। ये पूरा का पूरा एरिया पुर्तगीजों ने अपने व्यापार का विस्तार किया। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि जब यूरोपीय शक्तियों ने उधर अमेरिका में विस्तार किया था, अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, इधर भारत में कॉलोनी बनाई और आगे चाइना में और एशिया के अन्य क्षेत्रों में कॉलोनी बनाई, तो उन दोनों के अप्रोच में फर्क था। वहां वो एक तरह से आक्रामक के रूप में गए, देशी लोगों को दबाया, मारा, पीटा, खदेड़ दिया, बहुत सारे देशी लोग तो मारे गए, उनको रेड इंडियंस कहा जाता था अमेरिका में, बहुतों को दास बना लिया गया। अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में तो उन्होंने कह सकते हो कि एक तरह से कुकृत की वो पराकाष्ठा दिखाई जब उन्होंने मानव को बेचा और ह्यूमन स्लेव्स का ट्रेड किया, जो इतिहास का एक काला अध्याय है। लेकिन जब भारत में आए तो भारत में उनके समक्ष ऑर्गेनाइज स्टेट था। भारत या एशिया, एशिया कह सकते हो कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप था, सबसे अधिक संसाधन थे और एशिया में कई बड़े साम्राज्य थे। अगर ईरान में देखोगे तो सफावी साम्राज्य था, उससे पूरब में आओगे तो भारत में मुगल साम्राज्य था और उसके पूरब में जाओगे तो चाइना में मंचू साम्राज्य था। तो इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को देखते हुए वह परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि वो भारत में लुटेरे के रूप में आए और लूटपाट करें। तो वो जो आए एशिया में दूसरे अंदाज में आए, प्रतिवेदक बनकर आए, हाथ जोड़ते हुए आए और यहां के शासकों से पेशकश की कि हमें व्यापार करने की अनुमति दी जाए। जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था तो उसी रूप में आया था, और पोर्चुगीज भी जो आए थे उसी अंदाज में आए थे, डच और फ्रेंच जो भी आए उसी अंदाज में आए, क्योंकि उनके लिए यह संभव नहीं था कि एशियाई शक्तियों से टकराकर और जबरन हम कब्जा करें जैसा उन्होंने अमेरिका में किया था। उस समय की प्रतीक्षा करते रहे। एक समस्या उनके सामने आनी ही आनी थी। जो समस्या आई वो यह आनी थी कि वो एशिया में व्यापार करने की ललक तो रखते थे, लेकिन व्यापार में बच्चों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होता है जिसको आप व्यापार संतुलन के नाम से जानते हो। अगर आप किसी से ले रहे हो तो आपको वो गिफ्ट के तौर पर तो देंगे नहीं, उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। तो यूरोपीय लोग अगर भारत से और एशिया से खरीद रहे थे तो उसके बदले देने के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी, क्योंकि यूरोप की किसी वस्तु की भारत में मांग नहीं थी। हालांकि उलेन क्लॉथ में यूरोप आगे था, ब्रिटेन वगैरह में उलेन क्लॉथ का प्रोडक्शन होता था, परंतु उलेन क्लॉथ का भारत में कोई मार्केट ही नहीं था। और भारत में जो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसाले का जो मार्केट था यूरोप में बहुत तगड़ा मार्केट था। तो उनको खैर फायदा थोड़ा हुआ कि अमेरिका से जो गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल लाए वो दे देकर वो भारत से वस्तुएं लेने लगे। लेकिन वो उसी तरह की बात है कि जैसे तू अपने बैंक से पैसे निकाल निकाल के भोजन कर रहे हो। वो एक तरह से समझो तो अनइक्वल ट्रेड माना गया कि भाई, तो बहुत सारे यूरोपीय देश तो यहां तक कहने लगे कि हमारे यहां से ड्रेन हो रहा है, हमारा कीमती धातु भारत जा रहा है। तो वो जुगत बैठाने लगे कि कौन ऐसा सुभग दिन, कब वो दिन अच्छे आएंगे जब हम भारत के रिसोर्सेस से ही भारतीय वस्तुओं को खरीदने लगेंगे। और यह सुभग दिन उनके लिए आ गया। वो तब आया जब वो पलासी और बक्सर के बैटल को जीता, और बैटल बक्सर के बैटल का जीतने के बाद बंगाल की दीवानी उसे हाथ लगी। तो अब भारतीय रेवेन्यू से भारतीय वस्तुओं की खरीद करने लगे। धीरे धीरे अब एक कंपनी से, व्यापारिक कंपनी से, धीरे धीरे जो व्यापारिक कंपनी है, व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में तब्दील होती चली गई। अब देखो बच्चों, दो चीजों पर मैंने जो आपको बार बार बच्चों को यही संदेश देता हूं कि मेरा संदेश सही है और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा, और मेरा विश्वास है कि एक दिन मैं आपके इस माइंडसेट को चेंज करवाऊंगा। जैसे जब तुम यूरोप का इतिहास पढ़ोगे, जब तुम भारत का इतिहास पढ़ोगे तो सबको पैरेलल में रखकर देखो। जैसे वहां यूरोप में तुम, मैं पूछता चलता हूं, तुम बताओ फ्रांस की क्रांति का क्या टाइम पीरियड बता रहे हो? 1789। और यहां पर पलासी का बैटल कब हुआ? राइट, तो फ्रांस की क्रांति पहले हुई है पलासी और बक्सर का बैटल पहले हुआ? पलासी और बक्सर का बैटल। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो यूरोप में आपने बदलाव शुरू किया,
बदलाव देखा फ्रांस की क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति के बाद आपने यूरोप में उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास देखा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे नारे हुए, नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। फिर भी तुमने देखा कि फ्रांस की क्रांति के बाद एक बार फिर पुरातन व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब यह है कि जिस समय वो हमारे यहां आए थे उसमें वो खुद भी बहुत डेवलप नहीं थे। ब्रिटिश जो हमारे यहां 18 सेंचुरी में शासन किया और ब्रिटिश 19 सेंचुरी में शासन किया और ब्रिटिश 20 सेंचुरी में शासन किया, वो सेम ब्रिटिश नहीं थे। हम 1917 के में, जो 1919 में जो यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया, वहां श्रीमती एनी बेसेंट और यहां की बहुत सारी महिलाएं कैंपेन कर रही थी कि आप महिलाओं को मताधिकार दो, क्योंकि जो भी मताधिकार, जो सीमित मताधिकार भारत में मिला था या किसी भी देश में, वो एक सीमित मताधिकार था। तो वो एक लंबे तौर पर और एक बार 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 इंफेसाइज कर रहे थे कि महिलाओं को अधिकार दो। तो महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय तक तो ब्रिटेन ने खुद अपनी महिला को अधिकार नहीं दिया था। ब्रिटेन में महिलाओं को जो अधिकार मिला है, मताधिकार मिला है, वो 1928 में मिला है। और यहां श्रीमती बेसेंट वगैरह कैंपेनिंग कर रहे हैं 1916-17 में कि महिलाओं को अधिकार मिले। तो मतलब यह है कि जिस समय बच्चों हमारे यहां ब्रिटेन रूल कर रहा था या एशिया के अन्य देशों में अन्य यूरोपीय शक्तियां रूल कर रहे थे, उस समय तक वह खुद भी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। उनके यहां क्रमिक रूप से डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा था और हमारे यहां क्रमिक रूप से कॉलोनाइजेशन हो रहा था। तो जाहिर है कि उन्होंने यूरोप और एशिया के संदर्भ में दो अलग अलग मानदंड ग्रहण करके रखे, जैसे उनके यहां पुनर्जागरण आया। हमारे यहां लूटपाट आई, उनके यहां धर्म सुधार आंदोलन आया। हमारे यहां ईसाई धर्म को प्रसार करने का प्रयास किया, उनके यहां प्रबोधन आया। और हमारे यहां एक्सप्लॉयटेशन उनके प्रबोधन के कारण बढ़ गया, क्योंकि उनके पास नई नई तकनीकी आ गई, तो एक्सप्लॉयट करने की अलग अलग विधि आ गई। जिस समय वो यूरोप में नागरिक अधिकारों की घोषणा कर रहे हैं, उस समय यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका के लोग, यूरोप से बाहर के लोग, उन नागरिक हैं ही नहीं, उनको अधिकार नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब पूरी वाणिज्यिक चरण में तुम देखोगे, जब ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनाइज किया और कॉलोनाइज करने के बाद यहां पर उसने अपने रूल को स्थापित किया, तो उस समय तक उसने भारत में कोई परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। उनका सीधा सा प्रयास यही था और सीधा मकसद यही था कि चूंकि पहले वो भारतीय वस्तुओं को खरीद कर जो यूरोप में बेचते थे और ब्रिटेन में बेचते थे, उसमें मुनाफा तो कमाते थे, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ी राशि लानी पड़ती थी ब्रिटेन से, प्रेशियस मेटल के रूप में, सोने और चांदी के रूप में। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह था कि हम इस व्यापार में हमें घाटे का सामना करना पड़ा, इसको हम मेकअप करें। तो पलासी और बक्सर का, विशेषकर जब बंगाल की दीवानी उन्हें मिली, तो बंगाल के राजस्व से उन्होंने भारतीय वस्तुओं की खरीद शुरू कर दी। ये पूरे तुम देखोगे 1757 से लगभग शुरू होकर 1813 तक, जब तक कि ब्रिटिश समाज पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ता है और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू नहीं होती है, तब तक बस उनका एक ही मकसद है कि अधिकतम रूप में भारत में राजस्व का संग्रह करो और इस राजस्व का संग्रह करके भारतीय वस्तुओं को खरीदो और यूरोप और ब्रिटेन में बेचकर मुनाफा कमाओ। भारत में जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था चलने दो, कोई बदलाव नहीं लाओ। तो कुल मिलाकर तुम देखोगे कि 19वीं सदी तक हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं आया, और जिसे तुम आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना देखते हो, ऐसे आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना जैसी चीज 19वीं सदी से पहले हमारे यहाँ विकसित होने की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ओके, अब 1813 के बाद जब धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ने लगा ब्रिटिश समाज पर, उन्होंने भारत के संदर्भ में भी अपनी नीति बदल दी, क्योंकि अब तक तो भारतीय वस्तुओं को यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाते थे। अब नौबत यह आ गई कि स्वयं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ गए। इन औद्योगिक घरानों का कहना था कि अब तक तो भारतीय बाजार का इस्तेमाल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे व्यापारिक एकाधिकार दिए गए हैं। अब उसका कहना था ब्रिटिश पूंजीपतियों का कि अब समय आ गया है कि अब भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दीजिए और भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को प्रोत्साहन दीजिए। अब इसी आधार पर 1813 का जो चार्टर है वो एक लैंडमार्क हो गया। उस चार्टर के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। अब बच्चों यहीं से देखो, दो तीन तरह की बातें होगी
हम भारतीय राष्ट्रवाद पर अब आएंगे तब तुम भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को इस एम्बिट में, इस बैकड्रॉप में समझ पाओगे। अब जब भारत में, भारत को ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में डेवलप किया जाना है और भारत में अगर औद्योगिक पूंजीवाद का प्रभाव जो भारत पर पड़ने लगा, तो अब तक तो उन्होंने भारत में बदलाव नहीं लाया था, अब उन्हें जरूरत पड़ी भारत में बदलाव लाने की। और तब उन्होंने भारत में बदलाव लाने के लिए पहला कदम उठाया और वही समय है कि उन्होंने भारत में आधुनिक यातायात और संचार व्यवस्था का विकास किया। उन्होंने भारत में हमारे न्याय व्यवस्था में संशोधन लाया, लॉर्ड मैकाले का आगमन हुआ, लॉर्ड मैकाले ने विधि संहिता का निर्माण किया, लॉर्ड मैकाले ने एक नवीन शिक्षा पद्धति को लागू की जिसे आप मैकाले शिक्षा पद्धति कहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया, विधि व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया, भारत में रेलवे, आधुनिक रेलवे और यातायात व्यवस्था और आधुनिक संचार व्यवस्था के रूप में टेलीग्राफ का विकास किया गया। ये सब जो बदलाव हो रहे हैं, अब इसी बदलाव के आधार पर आपको यह जजमेंट लेना है कि क्या भारत इन बदलाव के कारण आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ा और आधुनिकीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा। एक बात गौर करने वाली बात है कि जिसे तुम आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हो वो आधुनिक राष्ट्रवाद प्रजातंत्र के साथ साथ विकसित हुआ है और प्रजातंत्र के साथ साथ उसको विकसित होना तय है। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्रवाद केवल मुट्ठी भर लोगों का राष्ट्रवाद है तो आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तभी राष्ट्रवाद होगा अगर मानो राजा का राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रवाद जब तक जनता का राष्ट्रवाद नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा। जनता का राष्ट्रवाद तो तभी होगा जब कम से कम आंशिक रूप से भी प्रजातांत्रिकरण होगा, जब लोगों को तुम शक्ति में भागीदारी दोगे या शिक्षा का प्रसार करोगे या लोगों तक उस चेतना को फैलाओगे। तो ब्रिटिश के द्वारा जो 19वीं सदी में बदलाव लाया गया उसी बदलाव के आधार पर यह क्लेम हो रहा है कि धीरे धीरे भारत उस बदलाव के कारण राष्ट्रवाद के रूप में डेवलप हुआ। अब इसको मैं पहले यहां छोड़ता हूं और भारत में जो राष्ट्रवाद से के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के विवाद हैं, जो अलग अलग मत देते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद है या भारत में राष्ट्रवाद नहीं है, हम उस मुद्दे पर चलते हैं। देखो, कहानी ऐसे शुरू होती है कि जब ब्रिटिश का भारत में आगमन हुआ तो आगमन के बाद वो तो कोई यहां पर वेलफेयर काम करने या लोक कल्याण का कार्य करने तो आए नहीं थे, वो यहां पर कार्य करने आए थे भारत का शोषण करना। उनका उद्देश्य था भारत का शोषण करना। तो उनका सामना किन के साथ हुआ? किसानों के साथ हुआ। उनका सामना जनजातीय लोगों के साथ हुआ। उनका सामना जो अलग अलग सामाजिक समूह हैं उनके साथ उनका सामना हुआ। तो जब वो भारत आए और भारत में इस्टेब्लिश किया तो पहले उन्होंने अधिकतम रूप में भू राजस्व वसूलनी शुरू कर दी, जनजातीय क्षेत्रों में अपना प्रसार किया। और जब जनजातीय क्षेत्रों में उनका प्रसार हुआ तो उस प्रसार के बाद उन्होंने वहाँ जनजातीय लोगों के जीवन में दखलंदाजी की। वो अफीम की खेती करते थे उस पर पाबंदी लगा दी, जंगली उत्पादों के प्रयोग पर बंदिश कर दिया, उनके द्वारा जो झूम की खेती जिसको कहते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो जब वो आए और लोगों के जीवन में पाबंदी लगाई, जब किसानों पर भूरा उसका अधिभार डाला, जब जनजातीय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया तो प्रतिक्रिया हुई। और जो प्रतिक्रिया हुई वो उसी तरह की प्रतिक्रिया है जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि कोई बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चे के सामने तुम कैंडल जलता हुआ रख दो और बच्चा उस कैंडल पर अपना हाथ रख दे और उसका हाथ पक जाता है तो गुस्सा खा के कैंडल को पटकता है और उस समय से उसके दिमाग में बैठ जाते कि यही कैंडल हमारे जलाने का कारण है। तो जब 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश शासन ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रसार किया, किसानों पर अत्यधिक राजस्व का दबाव डाला, तो किसान और जनजातीय प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप में प्रस्फुटित हुई। और जो स्वाभाविक रूप में वो प्रतिक्रिया जनजातीय और किसान प्रतिक्रिया प्रस्फुटित हुई, तो पहली बात यह देखना है कि ऐसा तो यूरोप में नहीं हुआ था तो क्या यह राष्ट्रवाद था? क्या यह राष्ट्रवाद था? नहीं। यह राष्ट्रवाद तब होता जब इस क्षेत्र के जनजातीय, उस क्षेत्र के जनजातीय, इस तरह के क्षेत्र के किसान, उस क्षेत्र के किसान, उस क्षेत्र के जनजातीय सब कहते कि भाई तुम्हें भी लूट रहा है, 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 आओ एक हो, दौड़ाओ, फैलाओ, भगाओ, तो राष्ट्रवाद, क्योंकि उनमें एक सामूहिकता की चेतना आती। नहीं है ऐसा।
जब संथालों का शोषण हुआ तो संथाल दौड़ गए, जब मुंडाओं का शोषण हुआ तो बिरसा मुंडा ने नारा दिया, कटुंग बाबा कटुंग, साहेब कटुंग, रारी कटुंग, और कुल्हाड़ी लेकर दौड़ गए उन पर। वह आरंभिक प्रतिरोध था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और पश्चिम में जो राष्ट्रवाद आया था वो राजाओं ने बैठकर बाउंड्री खींचकर राष्ट्र बनाई थी, और भारत में जो राष्ट्रवाद आया था वो राष्ट्रवाद का आरंभिक रूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो हमने संघर्ष किया, या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो हमने चुनौती दी, या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमने जो लड़ाई की, उस लड़ाई के दरमियान वो राष्ट्रवाद शुरू हो गया। मतलब जो ब्रिटिश शासन ने यहाँ के लोगों को शोषण किया, और शोषण के बाद यहाँ के लोगों में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की भावना आई, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही आरंभिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रतिफलित हुई। इसको आद्य राष्ट्रवाद कह सकते हो, आद्य राष्ट्रवाद, छिन्न रूप राष्ट्रवाद नहीं है लेकिन फेंट बिगनिंग यहीं से। फिर आपने देखा कि धीरे धीरे ब्रिटिश 1757 से आगामी 100 वर्ष तक जनजातीय लोगों को पीटते रहे, किसानों को पीटते रहे, मजदूरों पर दबाव डालते रहे, पुराने राजाओं और नवाबों को स्थापित करते रहे, नए राजाओं और नवाबों को स्थापित करते रहे, भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों के जीवन में हस्तक्षेप करते रहे। इन सारे हस्तक्षेप का परिणाम हुआ कि 1857 में एक ही बार ट्रेमर शुरू हुआ। अब यहां पर विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि अगर यह राष्ट्रवाद नहीं था तो मेरठ, अवध, दिल्ली, बिहार, यूपी, इतना तक कि भोजपुरी क्षेत्र, यहां तक कि आप देखते हो पूना, कोल्हापुर, मालाबार तट, कर्नाटक तट, हर जगह ब्रिटिश के विरुद्ध आग भड़क उठी। जब ब्रिटिश के विरुद्ध आग भड़क उठी और इस कैंटोनमेंट पर हमला 4 जून को कानपुर, तो 5 जून को लखनऊ, लग रहा था जैसे चेन रिएक्शन शुरू हो गया, लग रहा था जैसे कि भाई खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। जगदीशपुर में जब कुंवर सिंह जब आगे बढ़े तो इधर झांसी की रानी और भी प्रगति करने लगी, झांसी की रानी की प्रगति होने लगी तो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह है वो और भी आक्रामक हो गए। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो हो रही है घटनाएं उनके बीच कोई ना कोई कनेक्टिविटी है? इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमारा हिस्टोग्राफी पिछड़ा हुआ था उस समय, हमारे देशी लेखक उस समय तैयार नहीं थे। हमको वही बताया गया 1857 के विद्रोह में जो ब्रिटिश चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पर लिखा पहले, और उन्होंने अगर लिखा तो उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि नहीं नहीं यह राष्ट्रवाद नहीं था, यह सिपाही कुछ सिपाही ब्रिटिश नीति के कारण उनके मन में थोड़ा असंतोष हुआ और चरी वाले कारतूस की घटना को लेकर विद्रोह किया, जिसको जैसे तैसे हमने दबा दिया। ये एक बलवा था, हमने बड़ी आसानी से उसको दबा दिया। भारत में और कोई कहीं परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं यह डर था कि अगर यह बात चली गई लंदन तो फिर हमारे शासन के ऊपर गाज गिरेगा, जो गिरा ही उसके न चाहने के बावजूद भी। लेकिन उसने बहुत हद तक इस रिवोल्ट के स्वरूप को अंडरमाइन करने का प्रयास किया। बदकिस्मती से जब इस विद्रोह के 100 वर्षों के बाद हमारे देशी लेखकों ने लिखा, और जब आरसी मजुमदार, एसएन सेन, शशिभूषण चौधरी और पीसी जोशी ने 1857 में 1857 के महाविद्रोह पर लिखा 100 वर्ष के बाद, उस समय भी आरसी मजुमदार या एसएन सेन कोई भी इसके साथ न्याय नहीं कर सके, और यही बताते रहे कि एक ने कहा कि भाई ये सिविल, ये कहीं ना कहीं सिपाही और सिविल के बीच एक गठबंधन का परिणाम था, तो किसी ने कहा कि बस ये सिपाही विद्रोह था और उसे द फर्स्ट म्यूटिनी और द सिपाही म्यूटिनी का नाम एक तरह से आरसी मजुमदार ने दिया, और कहा कि नहीं प्रथम था न स्वतंत्रता था न राष्ट्रीय आंदोलन था। तो अब इस तरह की जो बातें आई बच्चों, ये तरह की बातों का आना स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय तक हमारे देशी इतिहासकार स्वयं ही तैयार नहीं थे, और हमारे देशी इतिहासकार भी सोर्स मटेरियल के रूप में तो वही विदेशी अभिलेखागार को लेते थे। और जो क्रांतिकारी, जो विद्रोही लोग थे, जो विद्रोह में शामिल हुए थे, वो अपने अधिकतर दस्तावेजों को जला दिया था, इसलिए कहीं हम बाद में पकड़े न जाए और हमारे ऊपर इसके विरुद्ध कहीं चार्ज न लाया जाए, तो अपने अधिकतर दस्तावेजों को जला दिया था। तो अब सवाल हो कि चाहे वो आरसी मजुमदार शोध करें या एसएन सेन शोध करें, लेकिन समस्या यही बनी हुई थी कि उनके लेखन का आधार तो वही सरकारी अभिलेखागार था जो पहले ही टेम्पर्ड कर दिया गया था, जिसमें इस विद्रोह के प्रभाव को कम करके दिखाया जाए। और यही हुआ कि हम लोगों का यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन एक सिपाही विद्रोह मात्र या उससे कुछ अधिक या कुछ सिविलियन का विद्रोह ऐसा ही बनकर रह गया, लेकिन यह एक पहला मैनिफेस्टेशन था
कि सिर्फ इसलिए कि इसमें रूसो नहीं था, सिर्फ इसलिए कि इसमें लॉक नहीं था, सिर्फ इसलिए कि इसमें कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो अब्राहम लिंकन नहीं थे। ये भारतीयों का अपना विद्रोह था और भारत के एक बहुत बड़े महकमे में फैला हुआ था और ये लोगों के असंतोष का महत्तम समावर्तक था। रह गई किसी क्रांति की बात, तो आप फ्रांस की क्रांति पर या अमेरिकी क्रांति पर हैं, आप एक बात बताएं कि लोग कहते हैं कि वर्गीय हित, तो वर्गीय हित में जरा आप गौर करके देखिए कि कौन सी क्रांति वर्गीय हित से परे है। फ्रांस की क्रांति में तुम देखो कुलीन वर्ग का अपना हित है, मध्य वर्ग का अपना हित है, निम्न वर्ग का अपना हित है, लेकिन जब सबके हित एक मुकाम पर मिल जाते हैं और जो व्यवस्था में वो एक क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो क्रांति हो जाती है। तो चाहे वो जमींदारों के अपने हित हो, लक्ष्मीबाई के अपने हित हो और नाना साहब के अपने हित हो, लेकिन किसानों के भी तो अपने हित हैं, मजदूरों के भी तो अपने हित हैं, शिल्पियों और कारीगरों के भी तो अपने हित है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और जब सबके हित एक ही मुकाम पर मिल रहे हैं और उन हितों का तकाजा है कि ब्रिटिश से बाहर खदेड़ दो, जिसको कि भोजपुरी साहित्य के ने नवीन शोधों में निकाला है कि फिरंगी छोड़ के कब जैबू हमार देशवा, यह अगर स्वतंत्रता की आकांक्षा नहीं है तो क्या है। समझ रहे हो इस चीज को? तो 1857 के रिवोल्ट तक आकर अब जो जनजातीय किसान आंदोलन जो अब तक दबा पड़ा था वो एक बड़ा ही सामूहिक तरह से उसकी अभिव्यक्ति 100 वर्षों के बाद ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद हुई। खैर चलिए, हम लोग ब्रिटिश के क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतरे, यूरोपीय के क्राइटेरिया पर खड़े नहीं उतरे और हम राष्ट्र नहीं माने गए, राष्ट्र नहीं कहे गए, हमारा ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा गया। बहुत लोगों ने यही कहा कि सिपाही विद्रोह से कुछ अधिक था और राष्ट्रीय आंदोलन से कम। खैर, ब्रिटिश शासन ने हमारे समाज के दो भिन्न महकमों पर अलग अलग प्रभाव डाला। एक तरफ ब्रिटिश शासन ने कुलीनों पर प्रभाव, जनसामान्य पर प्रभाव डाला, तो जनसामान्य पर जो प्रभाव डाला वो जनजाति और किसान आंदोलन के रूप में व्यक्त हुई। फिर उन्होंने कुलीन वर्ग पर प्रभाव डाला और कुलीन वर्ग पर जो प्रभाव डाला वह उनका समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ। अब तक तुमने देखा कि 19वीं सदी में जनजातीय लोग, किसान लोग, कारीगर, शिल्पी लोग, मजदूर लोग अपने ढंग से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई। अब आ गए नए प्रोटैगोनिस्ट जो अंग्रेजी शिक्षा की उपज थे, उन्हीं के संपर्क में रहे थे, उनसे प्रेरित हुए थे। और ये जो लोग आए थे वो लोग कौन थे? तो वो भारतीय कुलीन और अभिजात थे जो अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए थे। ऐसे ही कुलीन और सुधारक के रूप में आपने राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और इस तरह के अनेक चिंतकों का नाम सुना होगा जिन्होंने इस समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। और जिसे तुम समाज और धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हो उसी को पहला भारतीय पुनर्जागरण या वहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत क्यों? क्योंकि पश्चिम के क्राइटेरिया पर आधुनिक राष्ट्रवाद तब आता है जब एक खास समुदाय में रहने वाले लोगों के बीच आपस में जुड़ाव होने लगता है और लोग समझने लगते हैं कि हम एक हैं। तो पहली बार जब 19वीं सदी का समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुआ उसमें भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया किस रूप में? तो प्रतिक्रिया इस रूप में कि अब तक ब्रिटिश यह क्लेम करते थे या जो 19वीं सदी में जो समाज और धर्म आंदोलन हुआ उससे पहले जो हमारे मध्य वर्ग के लोग थे या वही मध्य वर्ग के लोग थे जब 1857 का महाविद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के समय इन्होंने अपनी सहानुभूति ब्रिटिश के साथ दिखाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं विद्रोही एक प्रगतिहीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परंतु ब्रिटिश ही एक प्रगतिशील व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हर प्रकार का हेल्प ब्रिटिश को ही मिलना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे 1857 यानी 1870 के दशक के बाद उनका मोह भंग होने लगा और वो महसूस करने लगे कि ब्रिटिश शासन में कुछ न कुछ त्रुटि है। इसको कुछ विद्वानों ने एक विशिष्ट नाम दिया है और विशिष्ट नाम कहते हैं प्रभाव बनाम प्रतिक्रिया, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है इंपैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा। वो इंपैक्ट वर्सेस रिएक्शन स्कीमा यह है कि मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन किया और अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन के माध्यम से वो पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आए और जब वो पाश्चात्य विचारधारा के संपर्क में आए और जब पाश्चात्य विचारधारा का अध्ययन किया तब वो निष्कर्ष पर पहुंचे कि आह
पश्चिम के विचार कितने उदात्त हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। पश्चिम हमसे विचारों में कितना आगे है। अगर हम प्रगति कर सकते हैं तो पश्चिम के इस मॉडल को ही फॉलो करके कर सकते हैं। वास्तव में पश्चिम महान है और हमको पश्चिमी विश्व के इन विचारों और उदात्त विचारों का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यह देखा कि आखिर ब्रिटिश लोग जितना बढ़िया बोलते हैं उतना बढ़िया करते नहीं, उनकी कथनी और करनी में बेमेलपन है। दूसरी बात है कि अगर आप अंग्रेजी शिक्षा दे दोगे और नौकरी नहीं दोगे तो बेचैनी तो होनी है। एक तरफ आपने अंग्रेजी शिक्षा इंट्रोड्यूस किया और अंग्रेजी शिक्षा देकर आपने उन्हें बहुत काबिल बना दिया, दूसरी तरफ उनको नौकरी नहीं दी, तो मन में भी बेचैनी होनी स्वाभाविक थी। तो धीरे धीरे अब उनके मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो दोनों एक साथ बच्चों चल रही है। एक को कहते हैं प्रभाव और दूसरे को कहते हैं प्रतिक्रिया। प्रभाव और प्रतिक्रिया दोनों मिलकर बनता है समाज और धर्म सुधार आंदोलन। अब तक आपने देखा कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ किसानों और जनजातीय लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाई, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हमला बोला। तो ये जो निम्न वर्गीय जनजातीय किसान लोगों ने जो किया वो प्रतिरोध का एक रूप था। अब जो भारतीय बुद्धिजीवी कर रहे हैं वो प्रतिरोध का दूसरा रूप है। प्रतिरोध का दूसरा रूप यह है कि इन्होंने यह देखा कि अगर हमें ब्रिटिश के समानांतर खड़ा होना है और भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो पहले हमें अपने सामाजिक धार्मिक कमजोरियों को दूर करना होगा और सामाजिक धार्मिक सुधार करना होगा। तो एक तरह से जैसे तुम समाज और धर्म आंदोलन कहते हो वो भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद की यही व्यक्ति है, लेकिन उसने यह मानकर चला कि भारत एक सशक्त राष्ट्र हो इसलिए भारतीय समाज और धर्म की सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय समाज और धर्म में बहुत सारी बुराइयां विद्यमान हैं। इसलिए तुमने देखा कि राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद सब राष्ट्र के उत्थान की बात करते हैं, सब सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं। इतना तक कि दयानंद सरस्वती, जिनको कि प्रचंड भारतवादी माना जाता है, वह दयानंद सरस्वती ने भी महसूस किया कि वैदिक मॉडल में वो सब सामाजिक बुराइयां नहीं थी जो सब सामाजिक बुराइयां बाद में आई, और तब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले जाके समाज और धर्म आंदोलन के माध्यम से पहले इंडिया की सर्जरी की। अब सर्जरी करने के बाद तब आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में वो प्रकट होना शुरू हुआ, क्योंकि जब सर्जरी हुई तब जाति व्यवस्था कमजोर हुआ, थोड़ा लिंग विभाजन कमजोर हुआ, क्षेत्रीय विभाजन कमजोर हुआ। तो धीरे धीरे ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि वह भी वही है जो हम हैं और यह भी हमसे अलग नहीं है, हम सब में कोई ना कोई जुड़ाव है, इसलिए आधुनिक राष्ट्रवाद आ गया। लेकिन ये आधुनिक राष्ट्रवाद कब आया? 19वीं सदी के समाज और धर्म आंदोलन के बाद आया, और एक क्षेत्र के लोग अब दूसरे क्षेत्र के लोग से जुड़ाव महसूस करने लगे, जाति और लिंग विभाजन कमजोर हुआ। किंतु गौर करने वाली बात है कि क्या यह चेतना जनसामान्य में आई? नहीं, जनसामान्य में नहीं आई, मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों में यह चेतना आई, और फिर मुट्ठी भर बुद्धिजीवी आधुनिक राजनीति की तरफ उन्मुख हुए। इन्हीं मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों में वो नेता थे जिन्हें तुम कहते हो कांग्रेस का उदारवादी चरण। अब तक पहले धर्म और समाज सुधार हुआ, अब धीरे धीरे वो कांग्रेस के उदारवादी चरण की शुरुआत हुई, और यह उदारवादी चरण जिसमें कि नेताओं ने पहली बार राजनीतिक मांगे उठाई और आधुनिक राजनीति की शुरुआत की, ये आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की पहली अभिव्यक्ति थी जिसे तुम उदारवादी आंदोलन के रूप में देखते हो। लेकिन उदारवादी आंदोलन में आधे परसेंट अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपस में संपर्क किया और राजनीति की शुरुआत। धीरे धीरे इनकी जो अभिजात राजनीति है उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी, और प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, और सुधारकों का एक नया वर्ग, और कह सकते हो नेताओं का एक नया वर्ग खड़ा हो गया जिसे तुम उग्रवादी कहते हो। उग्रवादियों ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त इन व्यक्तियों को अस्वीकार किया, कहा कि नहीं, हमें जनता की शक्ति में विश्वास प्रकट करना है। चूंकि जो उदारवादी नेता थे वो मानकर चलते थे कि जो भी हमको करना है ये गूंगे और बहरे जनता की तरफ से खुद करना है, ये बेचारे तो अशिक्षित हैं और अशिक्षित को न स्वशासन से मतलब है न किसी चीज से मतलब है, हमें इनके उत्थान के लिए काम करना है। परंतु उग्रवादियों ने कहा कि नहीं, ये हमारे मूक और बधिर जनता नहीं है, इनको हम आंदोलन के रूप में ला सकते हैं, और इनको हम इनके माध्यम से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके और तब हम सुधार और परिवर्तन ला सकते हैं।
तो जब उग्रवादी नेता आए तो उन्होंने थोड़ा सा सामाजिक आधार का, राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का थोड़ा सा विस्तार किया, और वह धीरे धीरे अभिजात चरण से उसको थोड़ा सा उच्च मध्यवर्ग से निम्न मध्यवर्ग के चरण तक ले आए, और थोड़ा सा उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक परिधि का विस्तार किया। अब यहाँ पर मैं फर्दर बढ़ने से पहले दो या तीन बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा उस डिस्प्यूट के बारे में कि भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सामान्य मान्यता है कि भारत में राष्ट्रवाद था या नहीं था। देखिए दो तीन बातें। नॉर्मली जो पाश्चात्य विचारक हैं उनका भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में दो धारणा रहे। एक धारणा यह रही कि भारत राष्ट्र नहीं है और न राष्ट्र हो सकता है। इस प्रकार की धारणा 1888 में सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी भारत में शासन कर रहा था, उसका नाम था जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची ने कहा कि देखो भारत राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब तक जो पश्चिमी राष्ट्रवाद का मॉडल था उस पर भारत उन्हें खरा होता हुआ नजर नहीं आया। उसने कहा कि भारत कैसे राष्ट्र हो सकता है, भारत क्षेत्र के आधार पर विभाजित है, भारत जाति के आधार पर विभाजित है। उन्होंने यहां तक दावा किया, अगर आप यूरोप में देखिए तो जो अंतर आपको एक पुर्तगीज और जर्मन में नजर आएगा उससे ज्यादा अंतर भारत में आपको बंगाली और पंजाबी में नजर आएगा। तो पुर्तगीज और जर्मन एक दूसरे के अधिक निकट हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो पंजाबी और बंगाली हैं वो और भी ज्यादा एक दूसरे से विभेद में है। तो फिर कैसे हम मान सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये तो जॉन स्ट्रेची 1888 में बोल रहा था, और इसी बात को चर्चिल ने 1945 में सुनाया, कहा कि भारत राष्ट्र कैसे हो सकता है, अगर भारत राष्ट्र बनने की कोशिश की तो भारत के साथ समस्या आ जाएगी, वो राष्ट्र कैसे बन सकता है भारत, क्योंकि भारत आंतरिक रूप से इतना विभाजित है कि कल को अगर भारत ने आजादी हासिल की तो ये टूट जाएगा, और इसे जुड़े रखने के लिए ब्रिटिश अधिकारी और जर्मन सेना की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरफ तो हमारे ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं था और न हो सकता था, दूसरी तरफ कुछ पश्चिमी विचारक हैं वो मानते हैं कि भारत राष्ट्र है और राष्ट्र भारत राष्ट्र था नहीं, भारत राष्ट्र हुआ, और हुआ तो हमारे कारण से हुआ, हमने भारत को राष्ट्र बनाया। ओके, समझ रहे हो कि नहीं तुम? उन्होंने कहा मैं पहला चरण तो तुम्हारा राष्ट्रवाद का कर देता हूं, तो दूसरे चरण में फिर संप्रदायवाद की तरफ जाएंगे और तब देखेंगे कि हमारे राष्ट्रवाद में क्या ऐसी त्रुटि हुई कि संप्रदायवाद आया और भारत का विभाजन हो गया। तो उनका तर्क है कि भारत अगर राष्ट्र हुआ तो हमारी कृपा से हुआ, भारत में तो राष्ट्र होने के कोई गुण ही नहीं थे, हमने भारत में रेलवे दिया, टेलीग्राफ दिया, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का गठन किया, जनगणना जैसी चीज की, वो सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमने इंडिया को दिए, सप्लाई किए, जिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बदौलत इंडिया राष्ट्र हो सका। अब दो व्यू है, अब इन दो व्यू में तुम कौन सा व्यू स्वीकार करोगे? कोई भी स्वीकार करें, अब तुम लोग कुछ लगता है जड़ों से ज्यादा सयाना हो चुके हो क्या, जल्दी कोई चीज स्वीकार करते ही नहीं हो क्या? तो पहला वाला का जवाब हम पहला वाले दिमाग में रखना, स्ट्रेची और चर्चिल को हम लोग बाद में जवाब देंगे। पहले हम सामना करें 1983 में, हालांकि वो ब्रिटिश नहीं है और मुख्य रूप से इंडोनेशिया पर लिखा था, उनका नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन। तो बेनेडिक्ट एंडरसन महोदय, उन्होंने राष्ट्रवाद को परिभाषित करने में एक बड़ा क्रांतिकारी परिभाषा दी। 1983 में हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते थे जब बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा था, तो दैट वाज क्वाइट यू कैन से एक्साइटिंग फॉर वी अस, बहुत सारे उसमें जो नेशनलिज्म पर काम करते थे, पॉलिटिकल साइंस वाले वो भी और हिस्ट्री वाले वो भी, दोनों को बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक नया मसाला दे दिया। उसने कहा, एक बुक लिखी और उसने कहा इमेजिन्ड कम्युनिटीज। तो जब उसने बुक लिखी उसका नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटी, तो उसमें उसने इमेजिन कम्युनिटी नामक जो पुस्तक है, अभी इसकी जरूरत भी नहीं रहने तो, हाँ तो उसने जो कम्युनिटीज लिखी, वो जो बुक लिखी उसने, पुस्तक लिखी,
उसमें उसने बताया कि देखो राष्ट्र होता नहीं है, राष्ट्र सोचवाया जाता है। समझ रहे हो ना कि राष्ट्रवाद होता नहीं है। इमेजिन कमिटी में कहा कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना की जाती है, वो होता नहीं है। तो ब्रिटिश ने भारत में वो सारी तत्व विकसित किए, यानी भारतीयों को राष्ट्र के रूप में ब्रिटिश ने ही सोचवाया। कैसे सोचवाया? तो एक तो राजनीतिक सीमा दिया स्पष्ट, बाउंड्री कार्टोग्राफी, कि देखो ये हमारा है, ये है मैकमोहन, ये है डुरंड, है ना। तो ये एक कार्टोग्राफी दी, यानी राजनीतिक सीमा दी, नंबर वन। नंबर टू, उसने भारत में प्रिंट मीडिया को इंट्रोड्यूस किया। प्रिंट मीडिया का मतलब पत्र पत्रिकाएं, जो पत्र पत्रिकाएं अनेकों लोगों ने पढ़े, एक के विचार दूसरे तक तेजी से पहुंचा और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तेजी से विचारों का प्रकाशन हुआ। सो दैट वाज द सेकेंड वन फैक्टर। अखबार, उपन्यास, उपन्यास जैसे आनंद मठी लिखे उन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो इन सबों ने इन विचारों का तेजी से इनके माध्यम से प्रसार हुआ। और तीसरा है जनगणना। जनगणना भी इस राष्ट्रवाद का इक्विपमेंट हो सकता है, क्योंकि बार बार जब तुम काउंट करते हो कि हम 60 करोड़ भारतीय, हम 80 करोड़ भारतीय, और बार बार में जब मोदी साहब जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां कितना 125 करोड़ भारतीय जब ऐसे करेंगे, है ना, 125 करोड़ हर चीज में, 125 करोड़, जब उनका सफाई अभियान भी चलता है तो कहते हैं कि अगर 125 करोड़ भारतीय ठान ले तो कोई माई का लाल हमारे देश को गंदा नहीं कर सकते। तो बार बार जो 125 करोड़ भारतीय, 125 करोड़ भारतीय बोलोगे तो उसमें से एक आवाज निकालती है, हम एक हैं, वी आर द वन एंड द सेम। तो यहां पर बेनेडिक्ट एंडरसन का मानना है कि ब्रिटिश ने हमें राष्ट्र के, मतलब राष्ट्र के रूप में सोचवाया जाता है, और हमें राष्ट्र के रूप में सोचवाया गया, इसलिए हम राष्ट्र बने। इज दिस वन क्लियर यहां तक? तो दो तरह के विचार है। एक तरह के विचार कहते हैं कि भारत न राष्ट्र है न हो सकता है। दूसरे तरह का विचार है कि अगर भारत राष्ट्र हुआ तो हमारे कारण हुआ और हमने उसे राष्ट्र बनाया। अब इनसे इतर हम इस पर चलते हैं। अभी शशि थरूर महोदय ने पिछले साल एक बड़ा अच्छा काम किया, एरा ऑफ डार्कनेस नामक बुक लिखी। हालांकि कहीं कहीं पर उनका जो स्पीच है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि इतिहास की सीमा का अतिक्रमण करके इंडिविजुअलिज्म पर या उसमें व्यक्तिवाद का पुट कुछ ज्यादा आ गया है, लेकिन बावजूद इसके जो शशि थरूर की बुक है उन बच्चों के लिए जो बच्चा राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानकारी रखता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा है, आपसे प्रॉमिस किया है कि बहुत जल्दी मैं साइट ही आप लोगों को हिस्ट्री का डेवलप करके और उसका वो चीज मुहैया कराऊंगा, जितनी जल्दी हो 2018 से हमारा जरूर काम शुरू हो जाएगा इस पर, और नए साल में ही आप लोग नए साल में एक नए रेजोल्यूशन के साथ प्रकट हो, क्वेश्चन राइटिंग वगैरह कर ही रहे हो, और भी ज़्यादा तुम्हें प्रगति होगी उन चीज़ों में जो नए नए विचार है, और कितना डालना है और कहाँ डालना है ये भी। जैसे मैं इतना बड़ा आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी तुम्हें छोड़ूंगा, उसको तो मैं गया ये सब चला जाएगा, इसको फिर प्रिसाइज करके नोट कराऊंगा आपको। समझ रहे हो ना? अभी एक बार पहले आपको समझा देता हूँ, उसको प्रिसाइज करके नोट कराऊंगा इसको। तो ये तरह के विचार है। अब शशि थरूर महोदय ने इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि एक एक बात का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, पहले रह गए राजनीतिक सीमा। ब्रिटिश बार बार क्लेम करते हैं कि हमने इंडिया की राजनीतिक सीमा बनाई, तो पहले ये बताइए कि जब दिल्ली सल्तनत का डिस्ट्रप्शन हुआ, मतलब वो उदाहरण नहीं देते, उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, मतलब उनका इशारा इसी तरफ है कि इंडिया में तो ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप कल्पना करो, जब मौर्यन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो फिर छोटे छोटे राज्य आए, तो फिर एक गुप्तन ने, फिर उसके बाद गुप्ता ने उसको यूनिफाई किया। गुप्तन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो आगे फिर हर्षा ने उसको किया। हर्षा के बाद फिर पाल प्रतिहारों ने एक बार उत्तर भारत को संगठित करने का प्रयास किया। फिर तुर्की लोग आए तो मोहम्मद गोरी से यात्रा शुरू हुई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक साम्राज्य बनाया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे एक अखिल भारतीय साम्राज्य का रूप दे दिया। तो ये तो पूरे इतिहास के तर्कशास्त्र में ही है कि एक साम्राज्य बनता है, एक साम्राज्य बनकर टूटकर बिखरता है,
और फिर उसकी जगह कोई ना कोई उदित होकर उस फिर एक बार साम्राज्य का निर्माण कर देता है। सल्तनत के बाद जो वैक्यूम आई उसको फिर बाबर आया, और बाबर के बाद अकबर के समय फिर एम्पायर बिल्डिंग शुरू हुई जो औरंगजेब के समय चलकर चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो उनके पहले प्रश्न का जवाब थरूर महोदय के अनुसार यह है कि भाई आप इस बात को ध्यान करें, अगर ब्रिटिश नहीं आए होते तो 18वीं सेंचुरी में क्षेत्रीय ताकत से ही कोई ताकत उभर कर आई होती और उसने अपने ढंग से साम्राज्य का निर्माण कर दिया होता। तो आप ये क्लेम मत कीजिए कि आपने हमको पॉलिटिकल यूनिटी दी, आप नहीं देते कोई दूसरा देता, नंबर वन। नंबर दो कि पॉलिटिकल यूनिटी आपने केवल यूनिटी देने के लिए नहीं किया कि हम यूनिटी इसलिए दे रहे हैं कि 100 वर्ष के बाद हम भारतीयों को देकर जाएंगे चाभी, भैया हम आपके लिए कर रहे हैं, जैसे बूढ़ा बाप अर्जित कर रहा होता कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरी संपत्ति मेरे बेटे की होगी, ऐसी भावना तो उनके मन में थी नहीं, वो तो अपने इंपीरियलिस्टिक हित के लिए कर रहे थे। लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो फिर भी भारत एक महाद्वीपीय आकार वाला देश है। जम्बूद्वीप की अवधारणा बहुत पहले से रही है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी तुम देख चुके हो चक्रवर्ती शासक का कॉन्सेप्ट रहा है, और अपने एंशियंट लाइफ के कैरियर से ही इंडिया कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में सोचता रहा है। ये विचार किसी से उधार लेने की ज्योति से नहीं है। समय समय पर ऐसा हुआ कि हम जम्बूद्वीप पर शासन नहीं कर सके, लेकिन आकांक्षा हमेशा हमारे मन में रही कि एक ऐसा शासक हो जो पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करे और चक्रवर्ती शासक कहलाए। ओके, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि थरूर महोदय का यह भी मानना है कि भाई आप क्लेम करते हो कि हमने प्रिंट मीडिया, जैसा कि बेनेडिक्ट एंडरसन महोदय कहते हैं कि प्रिंट मीडिया हमने दिया, और एक कदम आगे बढ़ जाओ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आई, बाद में तो और भी चेतना का विकास होगा। तो प्रिंट मीडिया आपने दिया, अखबार और उपन्यास आपने दिया, और भारतीय लोगों को सोचवाया कि तुम राष्ट्र होकर, तो आप ऐसा क्लेम करते हो, तो आप ऐसा क्यों भूल रहे हो कि लॉर्ड वेलेरी से लेकर आपके लॉर्ड लिटन तक सबने तो समाचार पत्रों को दबाया है, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाई है, कभी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाए हो, और कभी एक अखबार को दबाए हो, कभी दूसरे अखबार को दबाए हो, और आपका तो उद्देश्य यही है कि जो भारतीय जनता तक है वहां तक राष्ट्रवाद के विचार फैले नहीं। जब भी अमृत बाजार पत्रिका राष्ट्रवाद के बारे में लिखता है तो आप उस पर रातों रात पाबंदी लगा दे, तो अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो हिंदी में थी और रातों रात वो इंग्लिश में इसलिए तब्दील हो गई थी, और सोम प्रकाश पर आपने एक्ट लगा दिया, सोम प्रकाश पर इसलिए कि वो राष्ट्रवादी चेतना के अभिव्यक्ति कर रहा है। तो तुम कह रहे हो कि एक तरफ अखबार और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने राष्ट्रवाद को फैलाया, और दूसरी तरफ जहां भी आपको राष्ट्रवाद की बू आई आपने उसको दबाने का प्रयास किया, तो आपका क्लेम को वो तो बेचारे रात में बैठकर अपने कलम से लिखते हुए है ना, उस कैंडल की रोशनी में वो भारतीय राष्ट्रवादी थे जो चुपके चुपके पर्चा बांट बांट कर राष्ट्रवाद को फैलाया है, आपने कहां फैलाने दिया है, क्या समझा कि नहीं? रात में बैठ के पर्चा बांटते थे, क्यों? तो पकड़े न जाए, क्रांतिकारी अधिसंघ के क्रांतिकारियों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने किया। तीसरी बात कहते हैं जनगणना। अब रह गई बात जनगणना की, तो आपने जो जनगणना शुरू किया था बड़ा गलत मुहूर्त में और बड़े गलत उद्देश्य से शुरू किया। आपने जाति के आधार पर जनगणना करानी शुरू कर दी, आपने संप्रदाय के आधार पर जनगणना करानी शुरू कर दी, तो आपने जनगणना के माध्यम से हमें जोड़ा नहीं, बांटा। आज कहते हो 125 करोड़ भारतीय, और आप कहना शुरू करो कि 12 करोड़ 500 ब्राह्मीण, 18 करोड़ क्षत्रिय राजपूत, और 17 करोड़ यादव, और 15 करोड़ कुर्मी। अगर इस तरह से आप काउंट करके दिखाना शुरू करो, इज इट गोइंग टू मेक द नेशन? अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो पहली चीज कि आपने क्लेम किया कि हमने जनगणना कराई और जनगणना के आधार पर हमने एक राष्ट्र का शकल दिया, तो आपकी जनगणना जोड़ने के लिए नहीं थी, तोड़ने के लिए थी। ओके, अब एक आते हैं सबाल्टर्न हिस्टोरियन, उनका नाम है पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी ने इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, आप क्लेम कर रहे हो कि आपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबार और उपन्यास के माध्यम से लोगों को जोड़ा और राष्ट्रवाद की भावना फैलाई, तो आप एक ही बात हमें आप बता दो कि क्या आपकी जो प्रिंट मीडिया है और जो आपके अखबार और उपन्यास हैं वो कितने भारतीय तक पहुंचे, कितने लोग साक्षर थे? क्या भारत का 1% लोग भी उस समय नियमित अखबार पढ़ रहा था? क्या भारत का 1% लोग भी नियमित उपन्यास पढ़ रहा था, जहां के 90% से अधिक लोग निरक्षर हैं
और आप क्लेम कर रहे हो कि हमने अखबार और प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्र बना दिया, तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्र का मतलब केवल मुट्ठी भर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को ले रहे हो या मुट्ठी भर वैसे बुद्धिजीवियों को ले रहे हो जो शिक्षित और साक्षर हैं। आप उन 90% से अधिक उन निर्धन भारतीयों को राष्ट्र नहीं मान रहे हो जिन तक आपके प्रिंट मीडिया की पहुंच ही नहीं। समझ रहे हो कि बातें तो बहुत सारे क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स उनके बीच रास्ते निकालने हैं, कहो कि बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तो राष्ट्रवाद तो पूरे विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद टॉपिक है, लेकिन जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है और भारतीय राष्ट्रवाद है उसको अंतर के समझने का मौका मिलेगा। तो इतना तो क्लेम हो गया कि पहली विधि कहता है भारत राष्ट्र नहीं था, दूसरी विधि कहता है कि भारत ब्रिटिश के कारण राष्ट्र बना, तो ये बात तय हो गई कि भारत ब्रिटिश के कारण राष्ट्र बना, ये बात को हम मान नहीं सकते। अब कुछ ऐसे भारतीय चिंतक उभर कर आए जो उन्होंने कहा कि देखिए आप गलत कर रहे हो, आप भारत आप राष्ट्र को भौतिक आकार में ही बेकार सोच रहे हो। राष्ट्र कोई भौतिक आकार का नाम नहीं है, राष्ट्र एक चेतना का नाम है और राष्ट्र को एक चेतना के रूप में देखा जाना चाहिए। और अगर राष्ट्र को आप भौतिक आकार के रूप में लेते हो, मतलब जैसे तुम देखते हो दो अवयव है, एक अवयव है शरीर और दूसरा अवयव है आत्मा, तो अब एक मुद्दा यह उठेगा कि शरीर सत्य है या आत्मा सत्य है। अब इन विचारकों का कहना है कि आप केवल शरीर शरीर की बात कर रहे हो, भौतिक आकार की बात कर रहे हो, भौगोलिक आकार की बात कर रहे हो, जनसंख्या की बात कर रहे हो, लेकिन आप यह नहीं समझ रहे कि राष्ट्र एक चेतना का नाम है और चेतना प्राचीन काल से ही भारत में विकसित थी। आप अगर भारत के भौगोलिक आकार को भी देखोगे तो तुम एक बात महसूस करोगे कि लगता है कि भारत को काट छांट कर एक अलग बनाया गया है। पूरी दुनिया में भारत को आपको स्पेशली कि उत्तर में हिमालय, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, लगता है कि आहा कितना बढ़िया, एकदम टर्न की बेसिस पर गॉड ने दे दिया, पकड़ो चाबी और चले जाओ इंडिया में। इसका इस तरह से विशेषता है। तो जम्बू द्वीप की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही थी, प्राचीन काल से ही चक्रवर्ती शासक का कॉन्सेप्ट आ रहा था। और आप मेघदूतम ही पढ़ो कालिदास का, कालिदास के मेघदूतम का क्या कहानी है या उसका क्या थीम है? एक यक्षराज है जिसको इंद्र ने शाप दिया है कि तुम एक वर्ष तक पत्नी से नहीं मिल सकते हो, और वो पत्नी वियोग में तड़प रहा है। एक बादल के नाम वो संदेश भेजता है जो बादल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है और विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करते हुए बादल एक एक ज्योग्राफिकल स्थिति का परिचय इंडिया का देता है। तो कालिदास ने कौन पश्चिमी शिक्षा का अध्ययन किया था, कालिदास में यह चेतना कैसे आ गई थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं ना कहीं भारत एक खास ज्योग्राफिकल एंटिटी है। तो जो राष्ट्रवाद की चेतना है वो हमारे यहां पहले से चली आ रही थी। फिर इस क्रम में तुम देखते हो यह भी क्लेम किया जाता है कि भाई राष्ट्र को आध्यात्मिक संदर्भ में देखो ना, और आध्यात्मिक संदर्भ में देखने का काम सबसे पहले तुम देखोगे इसमें बंकिम चंद चटर्जी ने इसमें पहल की। और बंकिम चंद चटर्जी जो आनंद मठ लिखा तो वंदे मातरम, अब वो बन गई देवी, अब राष्ट्र कोई भौगोलिक इकाई नहीं रहा, वो भौगोलिक इकाई से बन गई देवी वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की जो अवधारणा दी तो लोगों के दिमाग में एक अमूर्त अवधारणा दे दी कि ये हमारी मां है। तो अब कोई मान लो किसी कोई बच्चा, कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बच्चा हो, ईश्वर न करे किसी को ये स्थिति देखनी हो कि वो बच्चा तब पैदा हुआ, उसके पैदा होने से पहले उसकी माता गुजर गई, तो बार बार बच्चे के दिमाग में लोग कहते हैं तुम्हारी माता ऐसी थी, उसके दिमाग में एक छवि आती है कि पता नहीं मेरी माता कैसी दिखती होंगी, उनका आकार कैसा होगा, उनका चेहरा कैसा होगा, वो कितनी ममतामयी होगी, उनका चेहरा कितना सुंदर होगा, बहुत सारी भावना उस बच्चे में आती है। तो एक तरह से तुम बोलो तो इन्होंने कहीं ना कहीं बंकिम चंद चटर्जी ने एक माता के रूप में अवधारणा कर दी कि हमारी माता मतलब माँ है, वो माता है। तो अब उसको आकार देने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने कर दिया कि तुम्हारी माता ऐसी दिखती है, पहला इंडिया का माता के रूप में भारत का चित्र बना दिया। तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक राष्ट्रवाद के संदर्भ में एक अवधारणा वह भी उभर कर आ गई जो राष्ट्रवाद को भौतिक संदर्भ में न देखकर राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक संदर्भ में देखने लगा और उसे माता का रूपक दे दिया। अब इससे जुड़ा हुआ हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि चाहे आप भौतिक संदर्भ में राष्ट्र को लो या आध्यात्मिक संदर्भ में राष्ट्र को लो,
एक तरफ आपने देखा कि आद राष्ट्रवादी प्रतिरोध था जो बिरसा मुंडा के विद्रोह में या संथाल रिवोल्ट में या पवना किसान रिवोल्ट में या मपला विद्रोह के रूप में वो प्रस्फुटित हो रहा था, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिखा रहा था। और दूसरी तरफ आपने देखा कि भारतीय अभिजात वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ा, तो उसने आधुनिक राष्ट्रवाद के रूप में समाज और धर्म सुधार आंदोलन के रूप में या कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी चरण के रूप में अपने आप को व्यक्त करना आरंभ किया। लेकिन बच्चों, दोनों ही स्थितियों में मुद्दा यह हुआ, जब भी राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तो इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि चाहे वह स्थिति हो, स्थिति हो, राष्ट्र मुट्ठी भर लोगों की चीज हो गई। चाहे वह बुद्धिजीवी हो, उदारवादी या उग्रवादी हो, वो भारतीय जनसंख्या के 2-3% का प्रतिनिधित्व करते थे। और चाहे वह आध्यात्मिक संदर्भ में ही बंकिमचंद चटर्जी ने आनंदमय मठ लिखा या अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता का पहला चित्र बनाया, जो चित्र पिछले साल नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, वह चित्र में भी तुम देखोगे उन्होंने भी जो राष्ट्रवाद की अवधारणा की, वो अवधारणा भी मुट्ठी भर भारतीय बुद्धिजीवियों तक सीमित रही। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि किसका राष्ट्रवाद, कैसा राष्ट्रवाद? केवल वही 4-5% लोगों का राष्ट्रवाद या 95% लोगों का राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद एक अवधारणा, अभिजात अवधारणा है जो शुरू ऊपर से होती है, जिसको तुम पश्चिमी राष्ट्रवाद कहते हो, लेकिन नीचे तक उस राष्ट्रवाद को पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। वो राष्ट्रवाद नीचे तक तब पहुंचेगा जब धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन होता जाएगा। जब 1915 में इस बात को सबसे पहले तारा महात्मा गांधी ने, जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए, और मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो मदन मोहन मालवीय ने गांधी को भी इनवाइट किया, उस समय सूट और नेकटाई पहने हुए। और उस समय भारत के चले हुए वकील और रईस लोग राजनीति कर रहे थे, और सबका जमावड़ा साल में एक बार होता था, जिसको कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में जाना जाता था। उसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से बुद्धिजीवियों से कुछ चुने हुए बुद्धिजीवी आते थे और वर्ष में एक बार जमा होकर कांग्रेस की राजनीति को दिशा देते थे और भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में कुछ मांग करते थे। जब मदन मोहन मालवीय ने गांधी को बुलाया और गांधी ने जब सभा को संबोधित किया 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उस अधिवेशन में, तो गांधी ने कहा पहली बार खड़ा होकर कि तब तक हम सफल नहीं हो सकते और तब तक हमें हमारा विकास नहीं हो सकता, हम एक राष्ट्र नहीं हो सकते, जब तक 7 लाख देहात के लोगों को, 7 लाख गांव में रह रहे देहात के लोगों को हम कांग्रेस के आंदोलन से नहीं जोड़ते। यह एक नए युग की सूचना थी। इसका मतलब यह था कि अब राष्ट्रवाद केवल अभिजात तक सीमित नहीं रहेगा, अब राष्ट्रवाद को जनसामान्य तक आना पड़ेगा, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद जनसामान्य तक नहीं आया तो राष्ट्रवाद फिर राष्ट्रवाद ही नहीं रह जाएगा। फिर गांधी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, किसानों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, जब समाज के विभिन्न वर्गों को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और भारत में पहला जन आंदोलन हुआ, ब्रिटिश भी हतप्रभ रह गए, क्योंकि कभी इस प्रकार का विचार लॉर्ड डफरिन ने दिया था कि कांग्रेस मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पहली बार अधिसंघ किसान जब असहयोग आंदोलन में खुद पर और पूरा देश आंदोलित हो गया, एक अखिल भारतीय जन आंदोलन जब आरंभ हुआ, तो ब्रिटिश भी चकित रह गए। अब राष्ट्र के सामाजिक आधार का विस्तार हो चुका था, क्योंकि अब इसमें किसान और श्रमिक भी कूद चुके थे। लेकिन गांधी पर यह चार्ज आया कि गांधी का राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं सवर्ण राष्ट्रवाद तक ही तो सीमित है, सवर्ण राष्ट्रवाद तक ही सीमित है से आशय यह है। गांधी राम राज्य की बात करते थे, गांधी के राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं सवर्ण हिंदू टिंज देखा गया, गांधी वर्णाश्रम धर्म के पोषण की बात करते थे। उस समय भारतीय समाज में कुछ ऐसे दलित पिछड़े लोग थे, जैसे इझवा जाति केरला में, महार जाति महाराष्ट्र में, उत्तर भारत में बहुत सारे दलित लोग, मध्य भारत में दलित लोग, जनजाति और ट्राइबल लोग जो सुशोषित और पीड़ित थे। उसी समय कुछ ऐसे सुधारवादी नेताओं का उद्भव हुआ, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले तो पहले ही आ चुके थे, फिर गोपाल बाबा वालंकर जैसे महार नेता का उद्भव हुआ, उन्होंने भीमराव अंबेडकर का आधार तैयार कर दिया,
फिर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने महारों को संगठित किया। उधर पहले मद्रास में ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर थे जो गांधीवादी थे और 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी के साथ आंदोलन में कूद पड़े थे। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह गई, स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ गया क्योंकि अब पेरियार नायकर खुद अलग हो गए गांधीवादी राजनीति से, क्योंकि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि भारत में दलित वर्ग के साथ न्याय नहीं है और जिसमें हम भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं सवर्णों का राष्ट्रवाद है, इसमें दलितों के लिए जगह नहीं है। तो दलितों ने आवाज़ उठाई, दलितों ने आंदोलन चलाया, अम्बेडकर महोदय ने जबरन मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम चलाया, पेरियार नायकर ने मद्रास में उन्होंने निम्न जाति को संगठित किया, नारायण गुरु ने केरला में इझवा नामक निम्न जाति को संगठित किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन महानुभावों का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रवाद का ध्यान फिर दलित और शोषित लोगों की तरफ गया और एक बार फिर हमारे राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार का विस्तार हो गया, क्योंकि अब राष्ट्रवाद का सवर्ण आधार कमजोर हुआ और हुआ कि इस राष्ट्र में सभी शामिल हैं, इसमें दलित और शोषित भी शामिल हैं, निम्न जाति के लोग भी शामिल हैं। अब धीरे धीरे हमारा राष्ट्रवाद कॉन्क्रीट शेप ले रहा था। तभी 1920 और 1930 के दशक के अंत में बहुत सारे समाजवादी और वामपंथी तत्वों का उद्भव हुआ। गांधीवादी राजनीति में तुम एक बात महसूस करोगे कि गांधीवादी राजनीति का झुकाव गांधी ने बहुत हद तक किसानों को दुखी किया, लेकिन गांधी चूंकि औद्योगिकरण के पक्षधर नहीं रहे थे, इसलिए तुम कभी कभी महसूस करोगे गांधीवादी राष्ट्रवाद में कि गांधी ने औद्योगिक श्रमिकों के साथ बहुत ज्यादा न्याय नहीं किया जितना होना चाहिए था। उनका हमेशा जो प्लैंक होता था, हालांकि ठीक है अहमदाबाद में उन्होंने एक टेक्सटाइल यूनियन बनाया, वहां के श्रमिकों को संगठित किया, लेकिन पूरे भारतवर्ष के श्रमिकों की बात करो तो गांधी का झुकाव या गांधीवाद का झुकाव किसानों की तरफ जितना रहा उतना श्रमिकों की तरफ नहीं रहा। आपने महसूस किया होगा क्या? अब 1920-1930 के दशक के जो वामपंथी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कि समाजवादी और मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट मूवमेंट, तो समाजवादी और वामपंथियों ने भारत में जो श्रमिक वर्ग है, जो औद्योगिक श्रमिक हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनको उन्होंने संगठित करने का विशेष रूप से काम किया। धीरे धीरे फिर एक बार हमारे राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का फिर विस्तार हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक भी आए, दलित वर्ग के लोग को पहले निचली जाति के आंदोलन ला चुके थे, किसानों को गांधी शामिल कर चुके थे, अब हमारे राष्ट्र में सभी महकमों का प्रतिनिधित्व होने लगा और देखते देखते हमारा राष्ट्रवाद का स्वरूप समावेशी होता चला गया। जो राष्ट्रवाद हमारा शुरू हुआ था मुट्ठी भर भारतीय बुद्धिजीवियों से, एक तरफ बिरसा मुंडा का राष्ट्रवाद था या बिरसा मुंडा का आद्य राष्ट्रवाद था जो ब्रिटिश पर खुला हमला कर रहा था, एक तरफ जनजाति और किसान थे जो परेशान होकर हमला कर रहे थे, उनके पास नेता नहीं था, दूसरी तरफ नेता थे जिनके पास जनता नहीं थी। अब नेता और जनता दोनों एक कगार पर आ गए और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश भी घबरा गया, क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद का यह नजारा उसको विश्वास नहीं था कि ऐसा भी होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी कूद पड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब राष्ट्रवाद कहां तक पहुंच गया है, भारत छोड़ो तक, भारत की आजादी तक हम लोग पहुंच रहे हैं और हम लोगों का राष्ट्रवाद बहुत हद तक समावेशी हो चुका है। इतना बड़ा बदलाव, धीरे धीरे हम उस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन अब 42 ने भारत की आजादी को प्राथमिकता की पहली सीढ़ी में ला दिया, शीघ्र हमें आजादी मिलने वाली थी, आजादी मिली भी विभाजन के दंश के साथ, लेकिन इसकी चर्चा विभाजन और संप्रदायवाद का हम अपने लेक्चर के दूसरे चरण में करेंगे जस्ट ब्रेक के बाद, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक मैंने नहीं दिया है, अभी इसको कंक्लूड करने में हमको कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा, आप लोग उत्साहित मत होइए। अब एक समस्या है, समस्या क्या है कि जैसे आजादी की लड़ाई भारत लड़ रहा था उसी तरह दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आजादी की लड़ाई हो रही थी, और अगर आप भी उपनिवेशीकरण या कॉलोनी की मुक्ति देखेंगे तो कॉलोनी की मुक्ति के भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशों की मुक्ति नहीं हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उपनिवेशियों की मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें सबसे पहला देश जिसने स्वतंत्रता हासिल की वो देश भारत था। भारत को आजादी मिली, उसी तरह एशिया में और जगह आजादी के आंदोलन चल रहे हैं, अफ्रीका में आजादी के आंदोलन चल रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के आंदोलन चल रहे हैं।
एक कॉमन एनिमी जब तक था कॉलोनियल पावर, तब तक तो सब मिलके एक हो रहे थे। सारे दुनिया में ये नजारा था, अफ्रीका में भी नजारा था। अफ्रीका में बाद में आजादी की लड़ाई बाद में शुरू हुई, एशिया पहले मुक्त हुआ फिर अफ्रीका। तो जब तक एक कॉमन एनिमी उनके फेस में था, जब उन्होंने एक कॉलोनियल पावर को देखा था, तब तो उनमें एक एकजुटता आई कौन से लड़ने के लिए। कई बार 10 शत्रु भी मिल जाते हैं अगर सबसे बड़ा शत्रु अगर सामने आ जाता है तो। लेकिन जैसे आजादी मिली वैसे ही आपस में सिर फुटवल शुरू हो गया। जिस समय कॉलोनियल पावर गए तब हुआ कि भाई अब क्या करना है, और दूसरी कॉलोनियल पावर यथासंभव बीज बो के जा चुके थे, जाति के अगेंस्ट में खड़ा करके, क्षेत्र को क्षेत्र के अगेंस्ट में खड़ा करके, धर्म को धर्म के, संप्रदाय को संप्रदाय के अगेंस्ट में खड़ा करके जा चुके थे। जाते जाते देशी रियासत के कान में भी कुछ कहते चले गए। तो पहले तो भारत के सामने पहली चुनौती यह हुई कि हम इस एकता और अखंडता को कैसे बना के रख सके, देशी रियासतों के विलय का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा शुरू हुआ कि चर्चिल मुस्कुरा रहा था कि बच्चों हम तो निकल पड़े, अब तुम चला लो, बना लो राष्ट्र। तो बना ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे इतनी विविधता है, इतनी विविधता कर रहते हो, तुम राष्ट्र कैसे बनाओगे। तो हम लोगों ने सोचना शुरू किया राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि पश्चिम का जो राष्ट्रवाद था उसका मॉडल दूसरा था। पश्चिम के राष्ट्रवाद का मॉडल था एक भाषा एक राष्ट्र। फ्रांसीसी भाषा के आधार पर फ्रांसीसी राष्ट्रवाद राष्ट्र बना, जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र बना, और स्विस भाषा के आधार पर स्विस राष्ट्र बना। अब जब भारत को राष्ट्र बनने की बात हुई तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य में गांधी ने कहा कि भाई हमारे भी एक राष्ट्रभाषा होगी, हिंदी होगी, और वही राजभाषा बनेगी। उस समय गैर हिंदी प्रदेश के भी जो लोग थे, वो गैर हिंदी प्रदेश के नेतागण भी ने कहा कि हाँ हम एक भाषा एक राष्ट्र के सिद्धांत को मानेंगे। लेकिन जब भारत को आजादी मिली और जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात हुई तो वो सब खड़े हो गए कि उसमें कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हिंदी राजभाषा अगर बनेगी तो हम सरकारी सेवा से वंचित हो जाएंगे, अंग्रेजी को होना चाहिए। समझ रहे हो? उसी प्रकार से अलग अलग प्रांतों ने मांग की कि हमें भाषाई आधार पर प्रांतों को बनाने का अधिकार चाहिए। यह मांग भारत में अकेली नहीं उठी थी, यह मांग दुनिया के अन्य क्षेत्रों में उठी थी, और बाकी देशों ने इसमें समझौता नहीं किया। जिन्ना साहब गए और बांग्लादेश में जाके कहे कि आपकी भाषा उर्दू होगी। श्रीलंका की सरकार ने स्पष्ट रूप से तमिलों को कहा कि आपको सिंगली पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि देखिए आप घबराइए नहीं, हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं। हमने हिंदी को राजभाषा बनाया, बाकी अंग्रेजी को सहराजभाषा बना दिया, और भारत जहां एक भाषा के आधार पर राष्ट्र बन के संविधान के 8वीं अनुसूची में हमने 14 भाषाओं को जगह दे दी, तो भारत 14 राष्ट्र 14 भाषाओं के आधार पर राष्ट्र बन गया और नाम दे दिया विविधता में एकता। पश्चिम वाले चकित रह गए, क्या कर ली, क्योंकि इस तरह का मॉडल दुनिया में बना ही नहीं था। पहली बार हमने ये मॉडल बनाया, पहली बार हमने ये मॉडल बनाया अपने राष्ट्र का, विविधता में एकता। ओके, तो अब दूसरे चरण के लेक्चर में हम लोग संप्रदायवाद कैसे आया, भारत का विभाजन क्या क्यों हुआ, हमारे राष्ट्रवाद में त्रुटि कैसे रही जिस कारण से विभाजन हुआ, इन चीजों को हम 5 मिनट के ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप लोग रेडी हैं? फिर देखिए, आप चाहे कोई भी सेगमेंट पहले पढ़ें या कोई सेगमेंट बाद में पढ़ें, जो क्वेश्चन का टाइप यूपीएससी में होता है और जितना कम समय में लिखना रहता है, जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा की अपनी कमजोरी है जिसके आप उत्पाद हैं, और सिविल सेवा की अपनी अपेक्षा है जहां तक आपको पहुंचना है, इन दोनों के बीच एक गैप है जिस गैप को मैं भरने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि देखो, मुद्दा यहां केवल हिस्ट्री का ही नहीं है, क्वेश्चन का रेंज हम जहां देखते हैं वहां हमको क्वेश्चन समग्र रूप में नजर आते हैं, लेकिन बच्चों की जो सोच होती है वो एक पार्ट में होती है। एक क्लास में रखने का एक उद्देश्य यह भी है कि हम समग्र रूप में पूरे मॉडर्न हिस्ट्री
राष्ट्रवाद पार्टीशन देख सके। राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा तो मोटे तौर पर अनुमान आपको मिल गया होगा, कैसे राष्ट्रवाद डेवलप करता जाता है और उसके विषय में किस प्रकार की धारणा आती है। अंतिम चरण में एक राष्ट्रवाद पर मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि एक बहुत ही स्वाभाविक मुद्दा होता है, जो कि जो बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि ब्रिटिश ने रेलवे का विकास किया, टेलीग्राफ का विकास किया, राजनीतिक एकता प्रदान की, आधुनिक प्रिंट मीडिया का डेवलपमेंट किया, जो अभी अभी हमने कहा जनगणना डेवलप किया, बाकी चीजें डेवलप की। तो ब्रिटिश इस आधार पर, अब एक तरह के ब्रिटिश विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि भारत न राष्ट्र था न राष्ट्र हो सकता, तो उनको तो हम लोग अलग कर देते हैं। उनको हम लोग कहते हैं कि देखो भाई, हम राष्ट्र बने लेकिन हम आपके मॉडल पर राष्ट्र नहीं बने, और हम बाध्य नहीं है कि हम राष्ट्रवाद के आप ही के मॉडल को अपना कर चलें कि आप जो हमें दोगे वही हम हैं। हम अपना राष्ट्रवाद का एक पृथक मॉडल डेवलप किया, जो मॉडल तृतीय विश्व के देशों के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन वो ब्रिटिश विद्वान जो ऐसा क्लेम करते हैं कि भारत अगर राष्ट्र बना तो हमारे कारण बना, तो वो प्रश्न का जवाब देना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है, और उस एक्सटेंट को जानना भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसी स्थिति में हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। आप लोग के मन में भी होगा, आप लोगों के अलावा बहुत सारे आपके सहपाठी, या जब 2013 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था तो ठीक है, इसमें दो तरह की बातें आ जाती है। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में पहली चीज, जो पहली बुद्धि जो मैंने आपको सिखाई या सिखाने का प्रयास किया है, जिसको बहुत हद तक तुम्हें से कुछ लोग अमल भी करने लगे हो, कुछ लोगों का अभी तक विश्वास नहीं जमा है, आज न कल तुम इस मुद्दे पर पहुंचोगे कि ह्यूमैनिटीज में कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं होता, और हर चीज की क्वेश्चनिंग की जा सकती है, हर चीज की क्वेश्चनिंग की जा सकती है, हर चीज के दो पक्ष हैं। इसलिए मानविकी भी समय तुम देखोगे, कभी भी आप फुल मार्क्स की उम्मीद इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें फाइनल थॉट, फाइनल विचार भविष्य के लिए छोड़ा जाता है कि सबसे बढ़िया कॉपी लिखी जाएगी, सबसे उत्तम विचार दिया जाएगा जो अब तक नहीं दिया गया है। इसलिए कभी भी आपके उत्तर को पूर्णांक के मार्क्स तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जैसे आपसे अगर कोई सिंपल सा प्रश्न करता है कि भारत को आजादी किस तिथि को मिली, तो आपका उत्तर होगा 15 अगस्त 1947। लेकिन उसी समय अगर वो काउंटर क्वेश्चन कर देगा कि क्या 15 अगस्त 1947 को भारत को वास्तविक आजादी मिली, तो फिर आपको दूसरी दिशा में जाकर यह बताना होगा कि जो आजादी मिली वो राजनीतिक आजादी जरूर थी, लेकिन आर्थिक सामाजिक आजादी के लिए हमें बहुत लंबे समय तक दूरी तय करनी थी, और आज भी हम उस दिशा में चल रहे हैं। और तो और छोड़ो, अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर आपके सामने मैं यह प्रश्न करूं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की व्याख्या करते हुए बताइए कि कैसे कालांतर में इसने समावेशी रूप ग्रहण किया, तो तुम लिखना शुरू कर दोगे कि ऐसे पहले ब्रिटिश शासन के आरंभिक प्रतिरोध जनजाति और किसान आंदोलन के रूप में आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अभिजातियों में इसकी प्रतिक्रिया दूसरे रूप में फूटी, जिसे हम समाज और धर्म आंदोलन कहते हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण के नाम से ही जाना जाता है, और जो आधुनिक राष्ट्रवाद का आरंभिक रूप था। फिर हम देखते हैं कि दो प्रकार के राष्ट्रवाद चलते रहे, एक तरफ आद्य राष्ट्रवाद जो जनसामान्य के बीच प्रतिरोध के रूप में समय समय पर व्यक्त हो रहा था, और दूसरी तरफ अभिजात राष्ट्रवाद जो बुद्धिजीवियों और नेताओं के स्तर पर था, लेकिन दोनों के बीच एक दूरी बनी हुई थी, जिस दूरी को बहुत हद तक गांधी ने भरने का प्रयास किया, और फिर गांधी का रोल दिखाओगे, फिर दलित नेताओं का रोल दिखाओगे, वामपंथी समाजवादी पार्टियों का रोल दिखाओगे, और दिखाओगे कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे भारत उस अभिजात राष्ट्रवाद से समावेशी राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख हुआ। ये तुम्हारा स्वाभाविक उत्तर होगा। लेकिन अगर वहीं वो काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या वर्तमान भारत समावेशी राष्ट्रवाद का उदाहरण है, तो फिर आपका उत्तर का बल बदल जाएगा, क्योंकि समावेशी राष्ट्र का उदाहरण अभी भी नहीं है। अगर समावेशी राष्ट्र का उदाहरण भारत रहता तो कम से कम आज भी 6 से 7 राज्यों में हजारों नक्सल हथियार बंद होकर सरकार से संघर्ष कर रहे हैं,
ये तथ्य दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई त्रुटि हुई जिस कारण से हम अपने भारतीय जनसंख्या के एक खास भाग को राष्ट्रीय मुख्यधारा में नहीं ला सके। या नॉर्थ ईस्ट में जो आज भी सेशनिस्ट मूवमेंट किसी न किसी रूप में चल रहा है और किसी न किसी रूप में नॉर्थ ईस्ट को हम राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में नहीं ला सके, तो हमारे पास यह कहने के लिए भी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कि भारत में जो राष्ट्रवाद का रूप उभर कर आया है वो राष्ट्रवाद तो है परंतु अभी भी यह समावेशी राष्ट्र का उदाहरण नहीं हो सका है। समझ रहे हो कि नहीं? तो मेरी बात तुम लोग तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? तो पहली चीज तो तुम लोग अपने मन में ठान लो कि ह्यूमैनिटी में कुछ भी फूल एंड फाइनल नहीं, लेकिन एक दायरा तो निर्धारित करना ही होगा। तो दायरा हम नहीं निर्धारित करेंगे, दायरा तुम नहीं निर्धारित करोगे, दायरा क्वेश्चन निर्धारित करेगा। हर क्वेश्चन के अंदर से एक आवाज निकलती है कि हमें लिखो इस प्रकार से। जैसे जैसे तुम्हारा अनुभव बढ़ता जाता है क्वेश्चन के उस साउंड को, साइलेंट साउंड को तुम सुनते जाते हो कि क्वेश्चन आखिर क्या कहता है, कि हमें किस तरह से लिखूं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन से भी एक आवाज निकलती है कि मैं सी उत्तर चुन लूं, मैं ही हूं। लेकिन उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें एक अंतर्दृष्टि चाहिए, उस आवाज को सुनने के लिए तुम्हें एक समझ चाहिए। तुम आवाज को बखूबी सुनोगे तो मैं आपको बता रहा था कि अब क्या होगा। डलहौजी महोदय तो बहुत सुधार किए, क्लेम कर रहे हैं, आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो वहां पर दो बातों के आधार पर हम काउंटर करते हैं। एक तो अब देखो, दो आधार बात पर नहीं, तुम अगर हमको कहोगे सर आप तीन आधार पर काउंटर करिए तो हम तीन आधार पर काउंटर करके बता देंगे, और हम आपसे अपेक्षा करेंगे आप चार आधार पर काउंटर करिए। जैसे तुम्हारा सबसे सिंपल आधार हो जाएगा कि आप जो कर रहे थे उसका उद्देश्य औपनिवेशीकरण था, आप अपने हित के लिए कर रहे थे। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि हम अपने हित के लिए कर रहे थे या आपके लिए हित कर रहे थे, फायदा तो आपको हुआ ना, फायदा तो हुआ, या तयातर संचार व्यवस्था बना, आपके यहां मॉडर्न इंडस्ट्री बनी। एक उत्तर हो जाएगा हाँ हमें फायदा हुआ, लेकिन तात्कालिक फायदा नहीं हुआ, बहुत विलंब से फायदा हुआ। दूसरा उत्तर हो जाएगा कि आप नहीं भी रहते तो अभी हमें फायदा होता, फायदा होने के लिए मुझे आपसे पिटवाना तो आवश्यक नहीं था, हम ये तकनीकी आयात करके भी तो ला सकते थे। तो आपने रेलवे जितने कॉस्ट पर बनाया उसे कम कॉस्ट पर अमेरिका रेलवे बनाया, जो समकालीन अमेरिका है स्वतंत्र था तो रेलवे बनाया। तो आपने क्या रेलवे बनाया, आपने दोगुने ढाई गुने खर्च पर रेलवे बनाया। कोई मकान बनवा दे कहीं तुमको तो मैंने मकान बनवा दिया, और तुम अगर मार्केट कॉस्ट से ढाई गुना अधिक कॉस्ट पर बनवा दे तो कहेगा आप नहीं रहते तो मेरा मकान कम कॉस्ट पर बन जाता। एक ये उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि आपने जो हमारे यहां आधुनिकीकरण किया वो हमारी जरूरत के अनुकूल नहीं था, आपने अपनी जरूरत के अनुकूल उसमें तब्दील आया, जिस कारण से हमारे यहां बहुत सारी समस्याएं आ गई। प्राथमिकता हमें निर्धारित करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री बननी है, कितनी बननी है, कौन डेवलप करना है, इकोनॉमी में कहां निवेश होना है पहले, फिर कहां निवेश होना है। तो जो आपकी आधुनिकता है वो आधुनिकता ऊपर से थोपी गई आधुनिकता है जो हमारे समाज के अनुकूल है ही नहीं, इसलिए इससे मुझे जितना फायदा हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया। अब एक ही चीज को हमने तीन रूप में चार रूप में काउंटर किया, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारा क्या होगा। जैसे अब वहीं पर क्वेश्चन वो पूछते हैं कि डलहौजी भारत का, डलहौजी एक महान साम्राज्यवादी था जिसने न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत को ब्रिटिश हित में निचोड़ दिया, लेकिन उसने भारत में एक अनजानी विरासत छोड़ दी जो कालांतर में भारत के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, इस कथन का परीक्षण कीजिए। उसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि ये बच्चा तू इसमें ज्यादा दिमाग मत लगा, अब तुम डलहौजी की इस लाभ के बारे में बता दे, क्योंकि हानि तो खुद कबूल कर रहा है। अब वही अगर पूछता है कि डलहौजी आधुनिक भारत का निर्माता था, तो हम कहेंगे कि देखो भैया परिवर्तन तो लाया, लेकिन दो आपत्ति हम कर दिया वहां पर कि एक जो परिवर्तन लाया उसको हम आधुनिक कहां तक कहें वो उचित नहीं है, मुझे तो लगता है औपनिवेशिक है। और दूसरा यह कि जो परिवर्तन लाया
वो हमारी प्राथमिकता नहीं थी, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित की प्राथमिकता में लाई गई थी, इसलिए हमारे समाज के अधिक उपयुक्त नहीं था। तुम कुछ भी लिखो बच्चों, तुम्हारे में अगर वैचारिक शक्ति है, अगर तुमने क्लियर कट विजन डेवलप किया हुआ है, जो विजन को डेवलप करने के लिए, जैसा कि मैं बार बार तुम्हें मैसेज देता हूं कि रीड के साथ थिंक और फील भी करना होगा, जब तक रीड के साथ थिंक और फील नहीं करोगे वो चीज नहीं होगी, वो करना पड़ेगा। इसमें समय आपका, मैंने क्या कहा कि आप लोग जिस विश्वविद्यालय शिक्षा का उत्पाद हो उसने पढ़ाया नहीं, और जिस परीक्षा में तुम जा रहे हो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो इन दोनों की भी तुम लोगों के लाइफ में कितना बड़ा गैप है, इस गैप को महसूस कर सकता हूं, और इस गैप को कम समय में भरना है तो गैप को भरने की युक्ति क्या होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर विचारों को अपनाओ और नए विचारों को तेजी से ग्रहण करो। अब अगर यह क्लेम ब्रिटिश करें कि ब्रिटिश ने हमें राष्ट्र बनाया, तो इसमें पार्थ चटर्जी ने एक बड़ी अच्छी चुटकी ली है, बड़ा अच्छा लगा उनकी बात। उन्होंने कहा कि आपने हमारा औपनिवेशीकरण किया, आपने हमें लूटा, आपने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, और आपने ही हमें शोषण को समझने की चेतना दी, आपने ही हमें प्रतिरोध का भाव जगाया, आपने ही हमें राष्ट्रीय आंदोलन करने की प्रेरणा दी, तो कृपा करके कम से कम एक चीज बता दिए दीजिए कि हमने क्या किया। समझ रहे हो कि नहीं? हमारा तो कोई काम ही नहीं है, आप ही ने पीटा, आपने बताया कि क्यों पिटाई खा रहे हो, तुम भी उठो, तो उठे हम, अब तुम हाथ उठाओ, उठा हम पर भी मारो, तो हम भी मारे उसको। तो अब ये बताइए आप कि हमने क्या किया, कुछ तो रोल है, हम भी इंसान है तो कुछ तो हमने भी किया होगा, सारा क्रेडिट तो आप ही ले रहे हो, उपनिवेशवाद आपने लाया, राष्ट्रवाद आपने लाया, तो हमने क्या लाया? समझ रहे हो कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बच्चों हमें तर्क देना होगा, अगर आपसे वो पूछते हैं या कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या ब्रिटिश नहीं आते तो भारत राष्ट्र नहीं होता, ब्रिटिश नहीं आते तो क्या भारत राष्ट्र नहीं होता, क्या लग रहा है आपको? कितने लोग होता के पक्ष में और कितने लोग नहीं होता के पक्ष में? नहीं होता। कम से कम एक भी आदमी नहीं आया, उसे लगा कि अभी जनमत के विरुद्ध जाना उचित नहीं है, तो कम से कम एक समझदारी तो उसने दिखाई कि जनमत के विरुद्ध जाना उचित नहीं समझा। देखो बच्चों, बिल्कुल सही कहा, हमारे पास तर्क है। पहली बात कि हमारी जो प्रेरणा है, जिसे तुम राष्ट्रीय चेतना कहते हो, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। हमारे अपने ग्रंथों को देखोगे तो कालिदास का मेघदूतम देखो या कौटिल का अर्थशास्त्र देखो, तो हर जगह कैसे विदेशी आक्रमण से प्रतिरोध किया जाता है उसकी प्रेरणा वहां से मिली है। एक ब्रिटिश नव साम्राज्यवादी विद्वान ही रहा है क्रिस्टोफर बेली, जिनका 2 वर्ष पहले मृत्यु हो गई। क्रिस्टोफर बेली का जो शोध है, उन्होंने कहा कि भारत में देशभक्ति की भावना और मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव पहले से ही चला रहा है, प्राचीन काल से ही देशभक्ति जैसी चीज, और मध्यकाल की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास ने एक जगह पर लिखा है कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवनों का भी अगर एक मालिक हो, परंतु अगर जनता विद्रोह कर दे तो राष्ट्र, वो सरकार चल नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध की प्रेरणा हमें केवल रूसो से, टॉमस पेन से और लॉक से नहीं मिल रहा है। रूसो की प्रेरणा हमें प्रतिरोध की प्रेरणा कहीं ना कहीं तुलसीदास और कबीरदास से भी मिल रही है। तो हम अपने ढंग से भी उस राष्ट्र जैसी चीज को लाते। दूसरी बात कि अगर
हमारे सांस्कृतिक एकता की बात ली जाएगा, राष्ट्र का मतलब और राष्ट्रीय चेतना का मतलब एक होने से है, तो एक होने का भाव कहीं ना कहीं मध्यकाल में भी रहा सांस्कृतिक क्षेत्र में, और वो भक्ति आंदोलन के रूप में हमें दिखता है। कश्मीर में लाल देई, तमिलनाडु में माधवाचार्य, कर्नाटक में पुरंदर दास, गुजरात में नरसिंह मेहता, राजस्थान में मीराबाई, पूरब में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और असम में शंकर देव। तो हमने कहीं ना कहीं पूरे भारत आर्यावर्त के संदर्भ में हमने एक सांस्कृतिक चेतना देखी, एक परस्पर सांस्कृतिक जुड़ाव देखा, एक परस्पर कल्चरल इंटीग्रेशन देखा, और जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जैसी चीज को जन्म दे सकता था। अब ठहरे राजा राम मोहन राय, उनको आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर थे, लेकिन अब राजा राम मोहन राय अगर पाश्चात्य शिक्षा के ऊपर थे तो राजा राम मोहन राय के जीवन पर भी तुम अगर अध्ययन करोगे तुम पाओगे कि राजा राम मोहन राय पर तीन भिन्न संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। सबसे पहले उन पर बौद्ध हिंदू संस्कृति का प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर रहा, फिर अरबी फारसी संस्कृति का प्रभाव आया, और अंत में चलकर अंग्रेजी यानी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आया। तो मतलब यह हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति से पहले उन पर जब अरबी फारसी संस्कृति का प्रभाव था, उसी समय राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय ने सुधार की प्रक्रिया तब आरंभ कर दी थी जब वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में नहीं आए थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चेतना हमें पहले से ही भारत में विद्यमान थी। और जहां तक समाज सुधार और धर्म सुधार का प्रश्न है, तो महात्मा बुद्ध और महावीर ने आरंभिक प्रेरणा दी, फिर गुरु नानक और कबीर दास जैसे सुधारक हुए, और फिर अगर पेरियार नायकर और भीमराव अंबेडकर को प्रेरणा मिल रही है तो केवल पश्चिमी विचारधारा से प्रेरणा नहीं मिल रही है, हमारी संस्कृति से भी प्रेरणा मिल रही है। इसलिए अगर हमें क्वेश्चन करना हो, जो मैं आपको करके भी बताऊंगा, कि क्या अगर ब्रिटिश नहीं आए हो भारत राष्ट्र नहीं होता, आप लोग बिल्कुल कबूलिए कि भारत राष्ट्र होता, और ब्रिटिश के आगमन से पहले भी भारत भले ही आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र ना हो, लेकिन भारत में एक सांस्कृतिक एकता की भावना पहले से ही रही है और रह गई आधुनिक राष्ट्र का मॉडल। तो यहां पर भी दो विचार आते हैं। एक विचार आते हैं कि हम पश्चिम की क्राइटेरिया पर अपने आप को राष्ट्र सिद्ध करें कि हाँ भाई ठीक है, पश्चिम की क्राइटेरिया पर हम राष्ट्र या ना थे। दूसरा, हम पश्चिम की क्राइटेरिया को अस्वीकार कर दे कि तुम कौन होते हो मानदंड देने वाले, तुम अपने ढंग से राष्ट्र थे, हम अपने ढंग से राष्ट्र थे। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम ही क्राइटेरिया फिक्स करोगे तो इसके लिए हमको रूसों को पैदा करवाना जरूरी है? कौटिल्य से काम नहीं चलेगा? समझ रहे हो कि नहीं? तो तुमको अगर ऐसी एग्जाम हॉल में निबंध में या कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो तुम दोनों दिशाओं में जा सकते हो। एक मुकाम ऐसा आएगा कि तुम कह सकते हो कि पश्चिम राष्ट्रवाद का जो मॉडल है वो एशियाई अफ्रीकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी, और जहां तक हमारा सवाल है तो हमारे राष्ट्रवाद की चेतना अपने ढंग से थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अखिल भारतीयता का जम्बूद्वीप की जो अवधारणा थी वो कहीं ना कहीं भारत को एक होने का एहसास दे रहा था। और हमारी संस्कृति में हर कई ग्रंथ ऐसे हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक संपूर्ण इकाई के रूप में उन्होंने परिकल्पना दी हुई है। तो ब्रिटिश नहीं भी आए होते तो हमारे यहाँ कोई भी अगर शासक होता, अब कौन बताया था समुद्र गुप्त को तुम दक्षिण जाओ? हर्षवर्धन ने भी दक्षिण जाने का प्रयास किया, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण चला गया, अकबर दक्षिण चला गया, औरंगजेब तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, कौन उनको कहा था जाने के लिए? सिर्फ यही नहीं कि पश्चिमी ये रूसों और ये विचारकों का विचार नहीं इन पर आया इसलिए हम राष्ट्र नहीं थे, तो ये बात तो एक पक्षीय है। इसलिए हमको पश्चिमी राष्ट्रवाद का भी मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि उसकी विरासत आज भी दक्षिण एशिया में रही है। बिना सोचे समझे उन्होंने हमारे ऊपर वेस्टफेलिया की संधि लागू कर दिया। वेस्टफेलिया की संधि लागू करने का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने हमारी कार्टोग्राफी खींच दी मैकमोहन से लेकर डूरंड तक, और परिणाम यह हुआ कि एशियाई देश एक एक इंच कार्टोग्राफी के लिए आपस में संघर्ष कर रहे, पड़ोसियों के साथ तनाव बढ़ गया, राष्ट्र अस्थिर हो गए। हमारे यहां एक निश्चित भौगोलिक सीमा का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारी परंपरा में,
हम लोगों की परंपरा में जैसे हमने आपको बताया कि खेत में आप जाते हो और कई बार किसान जाते हैं, देखते हैं उनकी उनके जो आड़े हैं वो तोड़ लिए गए हैं, और आर तोड़ कर कोई पड़ोसी किसान थोड़ा सा उनके भूमि को हस्तगत कर लिया है तो उसके लिए वो लाठियां नहीं चलाते, अगले सीजन में वो थोड़ा ट्रैक्टर बाद में लेके जाते हैं और अपने आड़े को सीधा कर लेते हैं। क्या? क्योंकि वो मान के चलते हैं कोई नहीं, ऐसा होता ही है। खास के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में तो तुम देखते हो कि उनकी आड़ियां तो गायब हो जाती है बाढ़ के बाद, उसके बाद जो पहले जोतता है वो अपने खींच लेता है, जो फिर बाद में आता है वो थोड़ा बढ़ा के जोत लेता है ना। तो इस प्रकार से आपस में तालमेल होता रहता है और उसके लिए उनकी लाठियां नहीं चलती। उसी प्रकार से हमारी जो सीमा थी राष्ट्रीय सीमा, वो कभी हम थोड़ा बढ़ जाते थे, कभी चाइनी लोग बढ़ जाते थे। मोहम्मद तुगलक ने एक अभियान भेजा था चीनी के विरुद्ध सीमा को स्पष्ट करने के लिए, और कभी हम बढ़ गए कभी वो बढ़ गए, और हमारी सीमा फ्लेक्जिबल होती थी, उसके लिए सिर्फ फुटबॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। आज एक एक इन सेना के सियाचिन ग्लेशियर में हमारे सैकड़ों सैनिक मरते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं पाकिस्तान इनक्रोच न कर ले। ये किसकी कड़ी विरासत है? तो वेस्टफेलिया की संधि एक कड़ी विरासत है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये दिस इज द थिंग, इसको आप ध्यान रखिए। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर। यह सब कुछ अच्छा चल रहा था, राष्ट्रवाद का विकास भी हमारे आधुनिकता के साथ राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ब्रिटिश के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चला उस क्रम में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद की भावना भारत में फैली, भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुआ जिसको ब्रिटिश ने आधुनिक राष्ट्रवाद का नाम दिया है। अब जब ये सारी प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी तो हमारे राष्ट्रवाद में ऐसी क्या त्रुटि हुई कि हमें सांप्रदायिक विभाजन का सामना करना? हमारे राष्ट्रवाद में कहां ऐसी त्रुटि हुई कि हमें सांप्रदायिक विभाजन का सामना करना पड़ा? इस पर तुम आपको थोड़ा सा गौर करना है। देखो बच्चों, एक्चुअली होता यह है कि जो राष्ट्रवाद जिसे तुम कहते हो या राष्ट्र, वो किसी समुदाय की सामूहिक विरासत का भाव होता है। किसी भी समुदाय की जो सामूहिक बौद्धिक विरासत होती है और सामूहिक सांस्कृतिक विरासत होती है, उसकी पहचान राष्ट्र के रूप में की जाती है। डिपेंड करता है कि आपका समुदाय कैसा है। पश्चिमी यूरोप में जब राष्ट्र बना वहां विविधता कम थी, एक रूपता ज्यादा थी, उनके आकार छोटे थे, उन्होंने एक भाषा एक राष्ट्र की अवधारणा दी, वहां एकल संस्कृति की बहुलता रही और कहीं ना कहीं एकल संस्कृति वहां ज्यादा हावी रहा, और इस आधार पर उन्होंने अपना राष्ट्र बनाया। हम पूरी अपनी भारतीय परंपरा पर पहले गौर करें, हमारा रास्ता पश्चिम के रास्ते से अलग था। प्राचीन काल में जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वह हिंदू धर्म कोई एकमात्र या एकल धर्म नहीं था। भारत में विभिन्न प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण और मत मतांतर प्रचलित थे। ये धार्मिक दृष्टिकोण और मत मतांतर के बीच एक उन धर्मों को मिलाकर एक सामूहिक रूप सा विकसित हुआ था जिसे आप तुम हिंदू धर्म कहते हो, क्योंकि हिंदू धर्म कोई एकल धर्म नहीं था। भारत में तुम देखोगे तो सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मण पंथों का विकास हुआ, फिर ब्राह्मण पंथों की प्रतिक्रिया में जैन और बौद्ध पंथों का विकास हुआ। ये सभी वैदिक आर्यों से ही किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जनजातीय लोगों में भी धर्म की एक वैकल्पिक धारणा विकसित हो रही थी, और उन्हीं जनजातीय लोगों में तुम देखते हो भक्ति की अवधारणा आ गई, अवतारवाद की परिकल्पना आ गई और मूर्ति पूजा की अवधारणा आ गई। तो जो आर्यों वैदिक आर्यों की जो अवधारणा यज्ञ थी, और बौद्ध और जैन पंथों के जो अपने मोक्ष और निर्वाण के विचार थे, केवल और निर्वाण और कैवल्य के विचार, ये सब हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक चिंतन में शामिल होता गया। ब्राह्मण पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ, मंदिर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, वो सभी एक जगह आके संग्रहित होते गए और उसने हिंदू धर्म का रूप लिया। मतलब हिंदू धर्म एक समुद्र जिसमें अनेक नदियां आकर मिलती है। इसे धर्म कहने के बजाय संस्कृति कहना ज्यादा उचित है। पूरे प्राचीन काल में जितने भी विरोधी मत मतांतर हुए, हिंदू धर्म एक के बाद दूसरे को
आत्मसात कर लिया, जैनिज्म को तो पहले ही आत्मसात कर लिया, और महात्मा बुद्ध को भी विष्णु के नौवे अवतार की घोषणा करके ब्राह्मण उसको हिंदू धर्म में आत्मसात कर लिया गया। यह प्रक्रिया चली आ रही थी। गौर करने वाली बात है कि प्राचीन काल में और मध्य काल में जितने भी अधिकतर देशों में शासकों के द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण दिया गया, और कई बार तो विभिन्न धार्मिक पंथों के बीच इतने तनाव रहे कि उन तनावों ने धार्मिक दंगों का भी रूप ले लिया। लेकिन भारत एक आप ऐसा अपवाद आपको देखेगा, आप गौर करके देखो पूरे इतिहास में, प्राचीन काल में भी अगर तुम नजर डालोगे तो आप यहां पर एक चीज गौर करके देखोगे, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कभी दंगे नहीं हुए, कभी एक धार्मिक संप्रदाय दूसरे को दबाया नहीं, और एक ही व्यक्ति ब्राह्मण धर्म की पूजा से जुड़ा हुआ था तो बौद्ध पंथ से भी जुड़ा हुआ था, और एक शासक ने ब्राह्मण पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ सबों को संरक्षण दिया। अरे भारत में तो इतना उदार धार्मिक वातावरण था कि अमर सेन ने आर्गुमेंटेटिव इंडियंस में तो इतना तक दावा कर दिया है, अमर सेन जो ने जो आर्गुमेंटेटिव इंडियंस लिखा है उसमें उन्होंने इतना तक दावा कर दिया है कि भारत तो इनबॉर्न भारतीय इनबॉर्न डेमोक्रेट्स थे। इनबॉर्न डेमोक्रेट्स इसलिए कि यहां पर विचारों की खुली स्वतंत्रता थी, और जो विभिन्न धार्मिक पंथ थे वो आपस में ही खुले रूप में वाद विवाद करते थे, किसी के विचार को दबाया नहीं जाता था, उन्हें खुले रूप से विचार प्रकट करने की क्षमता थी। तुम अनुमान कर सकते हो कि सुकरात ने अगर विरोधी विचार दिया ग्रीस में तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा था, और ईसा मसीह को खुले रूप में क्रूसीफाई कर दिया गया। अगर उस समय के धार्मिक वातावरण में यूरोप और पश्चिम एशिया में अगर महात्मा बुद्ध पैदा हुए होते तो शायद उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया होता, जिसने खड़ा होकर कहा ना आत्मा है ना परमात्मा है, ये साधारण सी बात नहीं थी। मोहम्मद पैगंबर ने जो एकेश्वरवाद का नारा दिया तो मोहम्मद पैगंबर पर काबा में जानलेवा हमला हुआ, और तब मोहम्मद पैगंबर को मक्का से मदीना जाना पड़ा था। ये परंपरा हमारी जो धार्मिक एकीकरण की परंपरा ही, धार्मिक सद्भाव की परंपरा है, पूर्व मध्यकाल तक आते आते यह परंपरा कहीं ना कहीं हरिहर की परिकल्पना के रूप में व्यक्त हुई थी। हरिहर, हरिहर, हरि विष्णु और हर शिव, एक ही मूर्ति में आधा पाठ शिव का आधा पाठ विष्णु का, यह धार्मिक सद्भाव का बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण था जो अन्यत्र दुर्लभ है। हम इस धार्मिक परंपरा से गुजरते हुए पूरे प्राचीन काल में चले। समस्या तब आई जब भारत में पहले अरबों का, लेकिन अरबों के आगमन ने हमें बहुत प्रभावित नहीं किया, हम पर ज्यादा प्रभाव पड़ा तुर्कों के आगमन का। तुर्क एक नए प्रकार के धार्मिक विश्वास लेकर आए थे जिसका नाम दिया गया इस्लाम, और भारत की भूमि पर इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच पहला आमना सामना और टकराहट हुई। दोनों धर्म अपने अपने ढंग से विचित्र थे। हिंदू धर्म का इतिहास रहा था कि हिंदू धर्म एक सर्वग्रासी धर्म रहा था, यहां पर जितने प्रकार के विरोधी मत मतांतर और दृष्टिकोण हुए हिंदू धर्म ने सबको अपने में उद्रस्त कर लिया था। इस्लाम का भी इतिहास यह रहा कि इस्लाम जिन क्षेत्रों से गुजर कर आया उसने वहां के धार्मिक पंथों को मिटा दिया, और शीघ्र ही वहां पर इस्लाम धर्म में व्यापक धर्मांतरण करा दिया। और यही वजह है कि आप गौर करोगे कि दुनिया के किसी भी भाग में जहां मुस्लिम गए वो पहले अल्पसंख्यक के रूप में गए, लेकिन देखते देखते शीघ्र ही बहुसंख्यक बन गए। भारत की भूमि एक ऐसा अपवाद है जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक बनकर आए और अल्पसंख्यक ही रह गए। इसका बड़ा कारण यही हुआ कि यहां पर व्यापक तौर पर धर्मांतरण नहीं हो सका। इस्लाम धर्म मजहबी धर्म था, वहां धर्म पहले था, समाज और राजनीति बाद में थी। तो हिंदू धर्म भारत की भूमि पर ना तो हिंदू धर्म इस्लाम को दबा सका, ना इस्लाम हिंदू धर्म को दबा सका। अब देखो बच्चों, बहुत बड़ा दायरा होता है क्वेश्चन का, और मैं नहीं मानकर चलता कि अगर कोई बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हो और उसको कल्चर का सम्यक ज्ञान हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ वो न्याय कर पाएगा, और
ना ये विश्वास है कि जो बच्चा कल्चर पढ़ रहा हो उसको मॉडर्न हिस्ट्री का ज्ञान नहीं हो तो वो उसके साथ न्याय कर पाएगा। ना मुझे ये विश्वास है कि अगर किसी बच्चे को विश्व इतिहास का ज्ञान अगर नहीं हो तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री का ज्ञान नहीं हो तो विश्व इतिहास के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मेरा बस चले तो मैं तुम लोगों को कहूं कि तुम लोग एक विषय पढ़ो, वह विषय है मानविकी। इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, भूगोल हो, इसके बीच विरोधाभास नहीं है। सभी चचेरे और फुफेरे भाई हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। इसमें तुम लोग फॉर्चुनेट हो कि इतिहास विषय अंतर अनुशासनात्मक बनने के लिए सबसे उपयुक्त विषय है। ये कोई विषय तुम स्टार्ट करते हो तो मॉडर्न से स्टार्ट करते हो, जहां से इतिहास समाप्त होता है लोग कहते हैं राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र शुरू होता है। लेकिन रामचंद्र गुहा ऐसा नहीं मानते, जो उन्होंने इतिहास पढ़ते उसको 2017 तक ला दिया इस बार बुक लिखकर। उनका जो इंडिया आफ्टर गांधी था उसको 2007 में प्रकाशित किया था और 2005-06 तक का इतिहास उन्होंने लिया था, और पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ 2017 में उन्होंने अपना नया एडिशन प्रकाशित किया है, उसमें 2017 तक ला दिया और कहा कि प्राय ऐसा माना जाता है कि जहां इतिहास समाप्त होता है वहां राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र शुरू होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम इतिहास को ही और राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को समग्रता से देखते हैं, क्योंकि बाकी विषय एक एक बिंदु को लेकर चलते हैं, इतिहास समग्र बिंदु को लेकर चलता है। तो तुमको इस माध्यम से अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। कल्चर में बच्चों से क्वेश्चन पूछा तुम ही लोगों से, बच्चा कोई दूसरा नहीं है, तुम ही लोग हो, लेकिन अभी इग्नोरेंट हो, ना तुमको क्वेश्चन से मतलब है, ना चीजों को देख रहे हो, अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो कि जिस समय क्वेश्चन आएगा उस समय मैं तहलका मचा दूंगा। लेकिन इंतजार करो, जब क्वेश्चन आएगा उससे पहले क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करो। पूछा था कि भारतीय संस्कृति के 4 विविधतामूलक कारकों को बताइए और राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान को निरूपित कीजिए। तो ये बात तो समझ में आ रही कि इतिहास से निकालकर, संस्कृति से निकालकर तुम 4 विविधतामूलक कारक को बता दोगे, भाषा साहित्य को बता दोगे, धर्म को बता दोगे, कला को बता दोगे। लेकिन अब राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को बताइए, तो राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को बताइए, तो अब यहां पर तो तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा कि भाई राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका को हम कैसे बताएं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तो बिल्कुल दूसरे तरह की चीज है। क्योंकि विविधता, विविधता पर आप लोगों को बंगला छोड़कर उर्दू पढ़ना पड़ेगा। जिन्ना साहब जाके बांग्लादेश में बोल आए थे, क्या हुआ, उनके मकबरा पर किसी ने लिख दिया कि कायदे आजम, हमने आपके 2 राष्ट्र के सिद्धांत की कीमत चुका दी। तो वो वैसा तो हमने नहीं किया, तो यही हमारी ताकत बनी। हमारी ताकत क्या बनी, हमने विविधतामूलक चरित्र को स्वीकार किया अपने राष्ट्र को। अब हमारा यही था, जब मध्यकाल में जब मुस्लिम आए और हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ रहे, न इस्लाम हिंदुइज्म को निगल सका न हिंदुइज्म इस्लाम को निगल सका, लेकिन दोनों साथ साथ रहते हुए समन्वित संस्कृति का विकास किया। वो समन्वित संस्कृति ऐसी थी कि हिंदू लुंगी पहनने लगे, मुसलमान धोती पहनने लगे, हम उनके मुहर्रम में पार्टिसिपेट करने लगे, वो हमें होली में पार्टिसिपेट करने लगे। भले ही शासक ने जजिया कर लगाया, जहां तहां दबाया भी, लेकिन जनता के स्तर पर हिंदू मुस्लिम गलवाही डाले रही। हिंदू लेखक ने फारसी पढ़ा, मुस्लिम लेखकों ने हिंदी भी पढ़ा, बंगला पढ़ा, पंजाबी पढ़ा, उर्दू, दोनों ने मिलकर समन्वित भाषा के रूप में डेवलप किया। उन्होंने हमारे डाइटरी हैबिट को अपनाया, हमने उनके डाइटरी हैबिट को अपनाया। रसखान जैसे कवि हुए, जो मानुष हो तो बसो रसखान, गोकुल गांव के द्वारन, मतलब उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी कृष्ण भक्ति में, बड़े बड़े कृष्ण भक्त हिंदू लज्जित हो जाए। हमारा ये साउथ एशिया का समाज था, हिंदू और मुसलमान सब कुछ ठीक जा रहा था, समन्वित संस्कृति डेवलप कर लिया था, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जीना सीख लिया था, तभी ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आ गए, उनके मन में खुरापात आ गई,
खुराफात आने का कारण था कि जब तक उदारवादी कांग्रेस आंदोलन चला तब तक तो उन्हें यह लगा कि ठीक है, ये उदारवादी अपने ही लोग हैं, संवैधानिक मांग कर रहे हैं, धीरे धीरे संवैधानिक मांग थोड़ा बहुत देंगे ही और ये भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत करेंगे। दादा भाई नौरोजी वगैरह ब्रिटिश शासन की महानता का बखान कर रहे थे। लेकिन जब उग्रवाद का आगमन हुआ और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसी चीजें चलने लगी, जहां तहां ब्रिटिश पर हमले होने लगे और जब लाल बाल पाल जैसे उग्र नेतृत्व का उद्भव हुआ तो ब्रिटिश घबरा गए और दादा भाई नौरोजी धन की निकासी की अवधारणा देकर सिद्ध कर ही चुके थे कि ऐसा मत कहिए कि आपके अधिकारी हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि आपके अधिकारी लूट रहे हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने बस इतना ही एक मिस्टेक किया कि उन्होंने कहा कि बेहतर यही होता कि हम आपके सामने कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छे और आपके अधिकारी बुरे हैं। उग्रवादी कहते थे क्या गलती आप करें, सब बुरे हैं, ये चोर है, वो चोर का सरगना है। यही दोनों के बीच मतभेद था। लेकिन जब उग्रवादी आंदोलन तीव्र हुआ तो ब्रिटिश डर गए, उनको लगा अब कुछ ना कुछ करना होगा, तब उन्होंने धीरे धीरे संप्रदायवाद को भड़काना शुरू किया। 1917 में जेम्स मिल महोदय, जो भारत का पहला इतिहास लिखा, उन्होंने उसको हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नाम दिया। तीसरी बात यह हो गई कि मुस्लिम शासक वर्ग से जुड़े हुए थे, उधर ब्रिटिश के द्वारा जो बंगाल के किसानों का शोषण किया जा रहा था, या हिंदू मुस्लिम निम्न जाति के लोगों को, निम्न तबके के लोगों का शोषण कर रहे थे, तो इनके मन में भी प्रतिक्रिया हुई तो ब्रिटिश के विरुद्ध प्रतिरोध करना था तो प्रतिरोध करने का कुछ ना कुछ मसाला तो चाहिए। उस समय आधुनिक विचारधारा का तो विकास हुआ नहीं था और सामान्य किसानों के सामने जाकर तुम दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी को समझाते तो ड्रेन थ्योरी से उनको क्या मतलब है, ब्रिटिश कष्ट दे रहे थे, वो पीड़ित थे, तो ब्रिटिश पीड़ा का जवाब देने के क्रम में उन्होंने जो अपना संगठन बनाना शुरू किया तो लोगों को वैचारिक रूप पर के रूप में संगठित करने के लिए इस्लाम का वो पुराने युग को जिलाने की बात की कि जब खलीफा का शासन था तो इस्लाम के लिए कितने अच्छे दिन थे और बहावी और फराजी जैसे मूवमेंट विकसित हुए जिसने कहीं ना कहीं धार्मिक रूढ़िवाद को अनायास ही प्रेरणा दे दी। ब्रिटिश ने भारतीय इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या कर दी। अब हमारे जो सुधारक थे वो भूल गए हमारे मध्यकालीन परंपरा को कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति साथ साथ चल रही। समाज और धर्म आंदोलन में राजा राम मोहन राय से लेकर और बंकिम चंद्र चटर्जी तक जितने भी थे, जब भी महानता की बात हुई तो उन्होंने प्राचीन महानता का गान करना शुरू कर दिया कि प्राचीन भारत एक महान भारत था और प्राचीन काल में भारत महानता की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब मुस्लिमों ने पूछना शुरू कर दिया और भैया और मध्य भारत अब हम लोग कहां जाएं? आपके प्राचीन तो महान थे, गीता महान था, वैदिक परंपरा महान थी, सब महान थे, वैदिक युग में तो हम नहीं थे, हम कहां से आ गए और हम कहां अब हमारा? तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हमारी परंपरा तो यहां है नहीं, वो अपनी परंपरा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में खोजना शुरू कर दिया कि हमारी परंपरा वहां है। विभाजन का बीज बोना शुरू हो गया। उस समय संभलना चाहिए था हमें कि हम भारत की समन्वित संस्कृति को आह्वान न करके हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मुस्लिम मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के महानता की तरफ जा रहे हैं, हम प्राचीन काल की महानता की तरफ जा रहे हैं। इन द मीन टाइम एक सेकुलर लीडरशिप का डेवलपमेंट हुआ मुस्लिमों के बीच, हम लोगों की भी उम्मीदें जगी और उम्मीदें थी सर सैयद अहमद खान, ऐसा लगा कि सर सैयद अहमद खान कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन एक औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत, ये व्यवस्था औपनिवेशिक थी, यहां रोजगार के अवसर सीमित थे, कुछ ही पद थे, विकास हो नहीं रहा था, लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं थे, रोजगार के एक ही दो अवसर थे, सरकारी सेवा। तो सर सैयद अहमद खान के मन में बात बैठ गई कि कौन अब राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े, अरे अपना मुसलमान भाई का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक ब्रिटिश की छत्र छाया में हम न जाएं, और वो ब्रिटिश की छत्र छाया में चले गए और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम युवकों को और मुस्लिमों को कांग्रेस की राजनीति से पृथक रहने का निर्णय लिया। विभाजन का बीज बोना शुरू हो गया। इधर कुछ हिंदू जो अवसरवादी नेता थे वो भी एक भी बिंदु कम नहीं थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये ब्रिटिश की प्रशंसा करके और ब्रिटिश की निकटता प्राप्त करके अगर यह
ब्रिटिश से रियायत ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने भी रियायत लेने के लिए प्रयास शुरू कर दिया, वो भी ब्रिटिश पगधर नीति अख्तियार करने लगे कि हमें ब्रिटिश पगधर काम करना है। इतना सारा बदलाव बच्चों हो रहा था। उस समय अगर एक प्रगतिशील नेता खड़ा होता और दोनों के बीच ब्रिज लाने का काम करता, उस समय अगर नानक और कबीर होते जो मध्यकाल में हुए, जो हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति को रिफ्लेक्ट किया भक्ति और सूफी ने, उस समय जायसी और नानक होते तो दोनों महकमों के बीच ब्रिज बनाने की कोशिश करते। लेकिन अफसोस उस समय जायसी और नानक नहीं हुए, उस समय हुए तो सर सैयद अहमद खान और श्रद्धानंद जैसे नेता जो एक खास समुदाय के बारे में सोच रहे थे, और इस कारण से दोनों के बीच बिलगांव बढ़ता चला गया। उस समय तक कांग्रेस भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि कितना बड़ा क्षति देश को होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो बिलगांव है, बिलगांव अच्छा नहीं। अब धीरे 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 सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। तो आप कहोगे भाई सांप्रदायिक विचार है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म और संप्रदायवाद? तो संप्रदायवाद कुछ नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा, अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है? तुम खड़े हो क्या कि मैं यूपी का हूं, पता नहीं तुम कहां के हो, बुरा मत मान। ये क्षेत्रवाद है, हमें अपने क्षेत्र से, हम अमुक क्षेत्र से हैं और अमुक क्षेत्र का होने का गौरव है, उसके लिए हर्ज नहीं, वो क्षेत्रवाद नहीं। क्षेत्रवाद ये है कि भाइयों हम एक हो क्योंकि हम यूपीआईट हैं, भाइयों हम एक हो क्योंकि हम पंजाबी है, भाइयों हम एक हो क्योंकि हम बिहारी हैं। अगर हमारे जुड़ने का आधार क्षेत्र होगा तो क्षेत्रवाद है, अगर हमारे जुड़ने का आधार धर्म है तो संप्रदायवाद है। अगर इमाम बुखारी साहब जामा मस्जिद के प्राचीर से घोषणा करते हैं कि भाइयों आप अमुक पार्टी को वोट दीजिए आप मुस्लिम लोग, तो यह संप्रदायवाद है, क्योंकि आपकी एक नहीं अनेकों पहचान है। आप एक खास क्षेत्र के हैं, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप भारत के एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, आप अमुक क्षेत्र से हैं। एक पहचान दूसरी पहचान को धराशायी नहीं करनी चाहिए। आप अगर पति हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप पुत्र नहीं है। क्या उसमें भी होता है कई बार लोग बह जाते हैं, पतिवाद के शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब उन्होंने यह घोषणा की कि हम, नारा यह हुआ कि एक धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हित अर्थात गैर धार्मिक हित समान होते हैं, एक धार्मिक संप्रदाय के राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक हित समान होते हैं तो यह हो जाता है संप्रदायवाद। खैर चलिए, समान होते हैं, हम कहते हैं भाई हम सबके ही समान हैं, एक धर्म के हैं। जब तक हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, गलत तो ये भी है, तभी चल रहा है कि भाई हम सबके धार्मिक ही समान हैं, जब तक हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब हम यह कहने लगते हैं कि भाइयों हम सब लोगों के जो धार्मिक हित हैं, ये लोग जो बैठे हुए हैं इनके धार्मिक हित से अलग है, तब बिलगाव शुरू होता है। तो तुम लोग भी सतर्क हो जाते हो, हाँ, अलग है तो क्या, हाँ है अलग तो हो गया अलग, आप इधर बैठिए वो उधर बैठे। उसके बाद स्टेज आता है कि देखो भाइयों हम सबके जो धार्मिक हित हैं वो उधर जो बैठे हुए संप्रदाय हैं उनके धार्मिक हित के विरोधी हैं, या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, और उनको फायदा होगा तो हमें नुकसान होगा और हमें फायदा होगा तो उनको नुकसान होगा। तो ये हो गया उग्र संप्रदायवाद। और आपने सुना होगा, ईश्वर न करे आपने महसूस किया हो, क्योंकि महसूस करना तो बड़ा दुखद अनुभव होगा, लेकिन सुना होगा कि कोई व्यक्ति ने एक दो सिगरेट से स्मोकिंग शुरू की और देखते देखते चेन स्मोकर बन गए। संप्रदायवाद वही चीज है। संप्रदायवाद आप कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए अपनाते हैं, लेकिन आप अगर हल्का संप्रदायवादी हैं तो आप न इस कम्युनिटी को खुश कर पाते हैं न उस कम्युनिटी को खुश कर पाते हैं, किसी कम्युनिटी को आप खुश नहीं कर पाते हैं। तो आपको उग्र संप्रदायवादी होना, क्योंकि आपकी स्थिति कोए और हंस वाली हो जाती है, हंस ने कोए का पंख लगा दिया, आपका अपने संप्रदाय के लोग कहेंगे अरे तुमने हमारे लिए किया क्या, और दूसरे संप्रदायवाद वाले कहेंगे अरे तो उस संप्रदाय का।
तो जो भी अगर मॉडरेट संप्रदायवाद से अपने कैरियर शुरू करता है, अंत में उग्र संप्रदायवाद तक उसको पहुंचना पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना 1937 तक मॉडरेट संप्रदायवादी के रूप में काम कर रहे थे, सूट और नेकटाई पहनते थे, स्कॉच विस्की पीते थे, रोजा नमाज से कोई मतलब नहीं था, कभी मस्जिद नहीं जाते थे, कंप्लीटली वेस्टर्नाइज थे, बड़ा स्मार्ट चैप थे, गए थे एक्टर बने, धोखे से बन गए बैरिस्टर, कभी कोई सब चीज से लगाव नहीं रहा। लेकिन जब 1937 के चुनाव में करारी हार हुई मुस्लिम लीग की, तब जिन्ना को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ अब करना पड़ेगा। तब जिन्ना ने अपना उग्र रूप अख्तियार किया संप्रदायवाद का। अब उन्होंने पाकिस्तान पृथक प्रांत का प्रपोजल अपनाया, मुस्लिम लीग के नेताओं का मस्जिदों से संपर्क स्थापित किया, नारा देना शुरू किया लेकर रहेंगे पाकिस्तान, तो अपने क्लाइंट को बढ़ाना शुरू किया। इतना सारा परिवर्तन बच्चों हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ रचनात्मक राजनीति के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया। अगर एक कदम वो मुस्लिम संप्रदाय आगे बढ़कर बोलता था कि भाई हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, तो इधर हिंदू संप्रदायवाद भी उतनी ही उग्रता से जवाब देता था कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि 1100 वर्षों तक हिंदू और मुसलमानों ने साथ साथ रहते हुए एक समन्वित संस्कृति का विकास किया था। इस समन्वित संस्कृति में एक से अधिक कारक शामिल थे। इस समन्वित संस्कृति में धर्म शामिल था। इस समन्वित संस्कृति में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विचार, दृष्टिकोण सभी शामिल थे। जहां तक धर्म का सवाल है, तो यह धर्म समन्वित संस्कृति का मात्र एक हिस्सा था। लेकिन समन्वित संस्कृति के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करके और केवल एक धर्म को आधार बना के यह घोषणा करना कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं, एक तरह से यह बहुत ही गलत था और इसका परिणाम अंत में हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ा। और आगे की घटना ने सिद्ध कर दिया, धर्म को आधार बना के आप कहते हैं एक हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र हैं। अगर जिन्ना ने यह बात कही कि हिंदू और मुसलमान दोनों दो राष्ट्र है, तो जिन्ना साहब से उसी समय पूछना चाहिए था कौन मुस्लिम, सिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, पंजाबी मुस्लिम, सिंधी मुस्लिम, अहमदिया मुस्लिम, खोजा मुस्लिम, पहले आप मुस्लिम हो? पहले जिन्ना साहब को प्योर मुस्लिम का दर्जा मिला हुआ था खोजा मुस्लिम का, अपनी कम्युनिटी में ही वो सेकेंड क्लास मुस्लिम थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अपनी पुत्री ने पारसी में विवाह किया था। अभी मिसेज एंड मिस्टर जिन्ना बुकाई बड़ा चर्चित रही है और एक महीना पहले उनकी पुत्री का डेथ हुआ है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों दो राष्ट्र हैं। तो क्या हुआ, भारत के विभाजन के 30 वर्षों के अंदर आपका दूसरा विभाजन हुआ और वो धर्म के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर हुआ। आप भी खोए, हमें भी खोया। एक गलती हुई, गलतियां हुई कि हमने समन्वित संस्कृति को नजरअंदाज कर दिया। हमने इस बात का केयर नहीं लिया उस समय कि भारत का चरित्र बहुलवादी है, यहाँ एक से अधिक भाषा है, एक से अधिक धर्म है, एक से अधिक क्षेत्र है, और हमें अपने विविधतामूलक चरित्र को सम्मान करना है। उस सम्मान करने में थोड़ी हमसे चूक हुई और एक औपनिवेशिक शासन था जिसने उस चूक का भरपूर लाभ उठाया और परिणाम हुआ देश का विभाजन। और जब हमें आज़ादी मिली तो फिर हमारे सामने नए नए प्रश्न उपस्थित हुए, भाषा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो क्या यह चूक मुझे फिर दोबारा करनी चाहिए थी वहाँ? क्या हमारा ऐतिहासिक निर्णय गलत था कि अंग्रेजी हिंदी के साथ अंग्रेजी सहराज भाषा के रूप में स्थापित हो? ये अतिवादी विचार है बच्चों। इन परिस्थितियों को आप देखोगे तो पता चलेगा। आप पाकिस्तान का अंजाम देखो, आप श्रीलंका का अंजाम देखो, इतना तक कि सोवियत रशिया का अंजाम देखो। स्टालिन महोदय ने बड़ा ही खड़ा होकर बड़ा शिद्दत से भाषण दिया था कि किसी अगर राष्ट्र के पास अगर अपनी एक भाषा नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं हो सकता। और आप चाहे किसी भी महकमे के हों, लेकिन रशियन भाषा आपकी मातृभाषा है, आपको रशियन भाषा अपनानी होगी। आज जाकर कोई स्टालिन महोदय से पूछे कि आज आपका सोवियत रूस कहाँ है? तो बींग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री तुम लोग सबक लोगे, अपार्ट फ्रॉम कि आज जो तुम देखते हो कि चाहे वो कॉस लेटर का मामला या कोई भी मामला आता है, और जब भारत का विविधता मूलक चरित्र से एकरूपता की बात होती है, तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं कि आज से 70 वर्ष पहले ऐसा ही हुआ था। नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है विभाजन हो।
लेकिन तनाव तो हो सकता है, दंगे तो हो सकते हैं, विकास तो रुक सकता है। 21st सेंचुरी का तकनीकी, 21st सेंचुरी में आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं हम, लेकिन अगर हमारी विचारधारा 19वीं सदी की हो गई तो हम प्रगति कैसे करेंगे? इसलिए हर स्टूडेंट के, इतिहास के बच्चों को डरना चाहिए कि भारत की संस्कृति विविधता मूलक है, बहुलवादी है। हमें तमिल लोगों के कष्ट को भी सुनना पड़ेगा, हमें कर्नाटका पर भी जबरन हिंदी नहीं टांगना पड़ेगा, रजामंदी लेनी पड़ेगी। जो प्रगतिशील कदम है उसकी हमेशा सराहना होनी चाहिए, जो जाति धर्म से अलग है, लेकिन जो हमारी बहुलवादी चरित्र है, बहुलवादी संस्कृति है, उस संस्कृति की अवहेलना ना हो, क्योंकि वो हमें कमजोर करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमें जो चूक हुई राष्ट्रवाद के मोर्चे पर, राष्ट्रवाद हमारी ताकत बनी लेकिन राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं चूक हुई, उसने विभाजन का रूप ले लिया। तो बच्चों, मैं एक बार चाहता था पूरा राष्ट्रवाद आप लोग भी सुन लो, कुछ बात तो समझ में हल्की फुल्की आई होगी, आई कि नहीं? और फिर हम आपको प्रिसाइडली नोट भी करा देंगे। ऐसा नहीं कि नोट नहीं कराएं कि वो लेक्चर पर आपका काम चल गया, ऐसी बात नहीं है। और किसी बच्चे का प्रश्न आया है, अगर अमेरिकी वैज्ञानिक राम सेतु को मानव निर्मित होने का दावा कर रहे हैं तो किसने कहा है कि राम दक्षिण में जाकर, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो तो जोर से, हमारे पास चश्मा निकालना पड़ेगा जल्दी। हाँ, बोलो बोलो। तो भरने से डर क्यों रहे हो तुम? से राष्ट्र की आवाज बननी है तुमको। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, देखो राम सेतु वाला जो मामला है, वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं परंतु अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है, थोड़ा उस पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचना हम लोग की जल्दबाजी होगी। और राम और श्रीलंका की जो कहानी है तो इस पर कभी दूसरे दिन चर्चा करेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे होंगे। रामायण भी तो एक नहीं लिखे गए ना, रामायण तुम देखोगे दक्षिण का जो रामायण है, जो कम्बन रामायण है, या कृतिवास ओझा का बंगाल का बंगला रामायण है, या कर्नाटक का रामायण है, कर्नाटक कन्नड़ भाषा में लिखे, जैसे स्वयंभू ने लिखा है परमचर्यु, एक दूसरा रामायण है दशरथ कथा पर है, एक एक राम साउथ ईस्ट एशिया में रामायण लिखे गए, उसके भी अलग अलग वर्जन हुए। रामायण भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, लेकिन उस संस्कृति हमें, इस बार तुमने देखा कि बैठक में नरेंद्र मोदी साहब ने के बीच एक्सचेंज हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड में था ना अभी, क्या हुआ एक्सचेंज हुआ था रामायण का, रामायण को उपहार मिला था, याद है कि नहीं इनको? से जो आपने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, तो वो सब। अब रामायण हमारा एक सांस्कृतिक पहचान है, और रामायण ही पहचान नहीं, हम लोग के दिमाग में ये भरनी होगी, रामायण पहचान है, महाभारत पहचान है, और उसके साथ जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे जो समन्वित संस्कृति से जुड़ी हुई कथा है वो भी हमारी पहचान है। हम भारत में, भारत दुनिया के इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में जो भारत मुसलमान, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और सेकेंड वन ग्रेट मुस्लिम कंट्री होने के नाते, ये दूसरी बात है कि जो कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए मुस्लिम, यहाँ के जो मुस्लिमों की संख्या को ले लोगे तो अरब कंट्रीज के किसी भी मुस्लिम कंट्री से ज़्यादा यहाँ के मुसलमानों की संख्या है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि उनका भावना का ख्याल रखना, उनकी संस्कृति को बचाना, उनको प्रमोट करना, ये भी भारत राष्ट्र का ही दायित्व है। इसमें कोई एक समन्वित संस्कृति को हम लोग सम्मान करें, भक्ति सूफी की परंपरा को जिलाएं। आज देखो हैदराबाद मुजाहिदीनों का गढ़ बन गया है, अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से लड़ सकता है तो सूफिज्म लड़ सकता है। तो जब तुम लोग इस तरह से पढ़ोगे इतिहास को तो तुमको खुद ही पता चलेगा कि दोनों में कोई दूरी नहीं है, साथ जीने की दूरी है, एक ही दर्द, एक साथ रहे हैं, दोनों का समन्वित संस्कृति है, बस उसका मिसयूज होता है, मिसयूज नहीं होना चाहिए। हम लोगों को केवल ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा चरित्र और संस्कृति विविधता मूलक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।